as per the topic given me by Dr. Gopal. So first of all, thank you, Mr. Dr. Gopal, for giving such a huge opportunity to me and my fellow other experts also. So you have done hard work, very, very hard work for this workshop. So as you have given me this topic, Web 2.0, 3.0, as well as Web 1.0, and digital marketing also. So in the first phase of this this lecture, I will discuss about Web 2.0, 3.0, semantic web, Web 1.0, and then we will proceed towards this digital marketing and strategy of digital marketing, designing, web designing, and application of digital marketing. So these topics are very important and very, very useful for the current time and for this current society. So as we know, our young generation is investing their time, more and more time, on internet and media. So this this social media and this web is very important. So this is Web 2.0, 3.0, and semantic web. So this is very interesting, like interesting points over there I am sharing you. So these are interesting for me also. So when I have started reading about this Web 2.0 and 3.0, so this is amazing. This Web 3.0 is very wonderful. So this is the time of this this 21st century. That is the time of learning and innovation skill, information, media, technology skill. So this is the time of innovation. So first of all, main start karunga ki this is a very wonderful time when we are talking about the innovation. Matlab hum aaj innovation ki baat kar rahe hain. We are innovating new things, we are innovating new ideas. ये कैसे हो रहा है, आप इसको देखिए कि इफ वी सी द डेवलपमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री 1.0 टू इंडस्ट्री 4.0, तो किस तरह से हमारा डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ. द इनिशियल डेवलपमेंट वाज वेरी स्लो. मतलब हम जब एग्रीकल्चर एज से आगे बढ़े, हम मैकेनाइजेशन की ओर बढ़े, तो उसमें वी हैव द टाइम ऑफ दिस टाइम गैप बिटवीन दिस एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन टू मैकेनिकल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, दैट वॉज इन थाउजेंड्स ईयर. तो मतलब हजारों साल के बाद हम इंडस्ट्रियल एज पे आए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ओर हम बढ़े. तो वो गैप बहुत बड़ा था, बट दिस गैप इज वेरी फास्ट एंड दिस ग्रोथ इज वेरी फास्ट. क्योंकि आज जो ग्रोथ हो रही है, आज जो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ हो रही है, वी आर मूविंग फ्रॉम इंडस्ट्री 1.0 टू 2.0, 3.0, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्री 4.0. तो जो एआई की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, या जो हम ये ड्रोन की बात करते हैं, 3D प्रिंटर की बात करते हैं, IoT की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, तो दीज आर वेरी रैपिड चेंजेस. एंड और ये चेंजेस इतनी तेजी से हो रहे हैं कि विद इन 6 मंथ वी आर चेंजिंग द डिवाइसेज. कि चाहे वो हमारे घर के होम अप्लायंसेज हो, चाहे वो हमारे पास जो मोबाइल फोन है, या हमारा टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, वो हम बहुत तेजी से उसको चेंज कर रहे हैं. क्योंकि नए जो डिवाइसेज आ रही हैं या नए जो इक्विपमेंट आ रहे हैं, दे आर मोर स्मार्टर देन द ओल्डर वन. तो हम अगर हम सॉफ्टवेयर में भी देखें तो द चेंजेस आर वेरी रैपिड. बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं. मतलब आपका वर्जन बहुत तेजी से चेंज हो रहा है. तो आज का जो टाइम है वो क्रिएटिविटी का टाइम है. पहली चीज क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मीडिया लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. ICT इज इंपॉर्टेंट. ICT, जो हम बात ही ICT की कह रहे हैं कि हम विदाउट ICT आवर ऑर्गेनाइजेशन या हम कोई भी चीज नहीं हो सकती है, वो एग्जिस्टेंस उसकी नहीं हो सकती है. ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये सारे पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं. इनोवेशन, इनमें जो इनोवेशन है ये लीड कर रहा है, ये टर्म सबसे ज्यादा लीड कर रहा है कि इनोवेट कर रहा है. गूगल क्या कर रहा है, इनोवेट कर रहा है. जबकि सैमसंग ने इनोवेट किया,
एंड्रॉइड इनोवेट किया कुछ कंपनीज ने, ओपन जो ओपन हैंडसेट अलायंस था, तो कुछ कंपनीज ने मिलकर के जिसमें इंटेल भी था, सैमसंग भी था, एचटीसी भी था, ये सारी कंपनीज ने मिल करके कुछ कुछ कंपनीज एक्सपर्ट थी हार्डवेयर में, कुछ कंपनीज एक्सपर्ट थी कम्युनिकेशन में, कुछ कंपनी एक्सपर्ट थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में. तो इन सारी कंपनीज ने, गूगल ने, इन सब ने मिल करके एंड्रॉयड डेवलप किया. और एंड्रॉयड डेवलप करते ही जो नोकिया का मार्केट है वो खत्म हो गया. नोकिया जो लीड करती थी जो कंपनी, वो कंपनी बिल्कुल खत्म हो गई. हालांकि अब नोकिया का मार्केट अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा है. तो क्योंकि नोकिया ने चेंज नहीं किया, नोकिया ने इनोवेट नहीं किया. ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर आप चेंज नहीं करेंगे, तो आज कहा जाता है कि अगर आप चेंज नहीं होगे तो आप कोडेक हो जाओगे. मतलब आप कोडेक की तरह, कोडेक इंसॉल्वेंट होगी कंपनी, मतलब वो कंपनी जो है बैंकक्रप्ट होगी वो कंपनी, क्योंकि वो कंपनी इनोवेट ही नहीं कर पाई. और 99% मार्केट कोडेक का था और चेंज नहीं किया कोडेक ने अपने आप को, इनोवेट नहीं किया. तो इनोवेशन इतना इंपॉर्टेंट है आज की डेट पे. तो लगातार गूगल लगातार इनोवेट कर रहा है. कोई टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर वो यूजफुल नहीं है उसको रिप्लेस करके नई टेक्नोलॉजी आ रही है. और हर टाइम गैप के बाद, बहुत कम टाइम गैप के बाद नई टेक्नोलॉजी या नए वर्जन आ रहे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे वो हार्डवेयर है. सो इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ. सो दिस 21st century इज दैट सेंचुरी ऑफ इनोवेशन. इट इज सेंचुरी ऑफ लर्निंग, इनोवेशन, स्किल, इंफॉर्मेशन, मीडिया, टेक्नोलॉजी, स्किल, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. तो अब हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं. चाहे हम क्रिएटिविटी हम किसी भी फॉर्म में कहें, क्रिएटिविटी आपको क्रिएटिविटी देनी, चाहे आप जॉब की बात करें, चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें, आपको ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है जो क्रिएटिव हो, आपको उसमें भी क्रिएटिविटी देनी है. आप वही सॉफ्टवेयर जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर है, आप उन ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर सकते हैं, आप उन्हीं सॉफ्टवेयर को लेकर नहीं चल सकते हैं. हमारे वेपन चेंज होने चाहिए. आज की डेट पे इंडियन आर्मी के पास लेटेस्ट वेपन्स हैं. तो ये सारी चीजें हैं. तो इंडिया जो है वो कोशिश कर रही है कि लेटेस्ट जो है हमारे पास एरोप्लेन्स हो और अच्छी टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हो. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया. प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, या कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. तो ये मैं शुरुआत यहाँ से कर रहा हूँ कि इनोवेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. क्यों हम, अगर हम अपनी आर्मी को इनोवेट नहीं करते हैं, अगर आर्मी के टैंक को हम इनोवेट नहीं कर रहे हैं, या हम नए टैंक परचेज नहीं कर रहे हैं, राफेल जैसे हम एरोप्लेन नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा कि हम दूसरी जो कंट्रीज हैं उनकी आर्मी से हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम उसको टक्कर नहीं दे पाएंगे. तो इसलिए इनोवेशन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो सोसाइटी है, हर जगह आपको इनोवेट करना है. तो ये चीज पहले नहीं थी. अब पहले क्या होता था कि अगर आपके घर में एक रेडियो है, अगर आज से 40 साल पहले की बात करें, तो वो रेडियो फादर, वो आपके दादाजी ने भी उस रेडियो को चलाया और आपके फादर ने भी उसको चलाया और आपने भी उसको चलाया, तो वो 3 generation तक जाता था. ऐसा इसलिए था क्योंकि पैसा कम था और इनोवेशन नहीं होता था, डिवाइसेस बहुत तेजी से चेंज नहीं होती थी, तो वो चीजें चलती रहती थी. पर आज की डेट में हम मोबाइल 6 महीने में चेंज कर दे रहे हैं अपना, क्योंकि नया मोबाइल जो आ रहा है वो 6 महीने बाद जो आ रहा है उसके उसमें बहुत सारी जो है टेक्निक्स या बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो पिछले 6 महीने पहले के जो मोबाइल है उससे ज्यादा हैं. और सॉफ्टवेयर अपडेट भी आ रहे हैं, इसी तरह से एंड्रॉयड के अपडेट भी आ रहे हैं कि आप लगातार एंड्रॉयड के अपडेट जो है अपने मोबाइल में अपडेट करते रहते हैं, उनको डाउनलोड करते रहते हैं. तो इस तरह से हमारी चीजें चेंज हुई. तो ये तो था हमारा जनरल चीजें कि इनोवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, या टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर ये जो हम बात कर रहे हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की या प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये सारी चीजें क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हम यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ. तो अब हम आते हैं वेब की बात करते हैं, क्योंकि लेक्चर जो है, जो मेरा टाइटल था आज के लेक्चर का, दैट वॉज वेब 2.0 वेब 3.0 सिमेंटिक वेब. और वेब 1.0 ऑटोमेटिकली होगा, जब वेब 1.0 होगा तो 2.0 और 3.0. तो जैसे हम बात करते हैं इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, इंडस्ट्री 3.0 एंड इंडस्ट्री 4.0, वैसे ही हमारा वेब में भी अलग अलग हम वेब 1.0, 2.0, 3.0 की हम यहाँ पे
बात कर रहे हैं, ऐसे ही एजुकेशन में एजुकेशन 1.0 आज की आज इसमें भी चर्चा हो रही है, एजुकेशन 1.0, 2.0, 3.0, एजुकेशन 4.0 लोग कह रहे हैं, ऐसे ही वर्कर 1.0, जैसे हमारा इंडस्ट्री 1.0 है वैसे ही वर्कर 1.0, वर्कर 2.0, 3.0, 4.0, तो इस तरह से अलग अलग हमारे टर्म्स हम आज ये नए टर्म्स कॉइन हुए हैं और इन्हीं टर्म्स को हम यूज करते हैं आज की डेट पे, बड़े पॉपुलर टर्म्स हैं। तो इंडस्ट्री 4.0 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली आप समझ जाइए कि उसको बिग डेटा की बात हो रही है, आईओटी की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, ये सभी जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उन सब की बात हो रही है वहां पे इंडस्ट्री 1.0, उसको एक नाम दे दिया गया। तो इसी तरह से वेब में भी हमारे वेब की भी ये सीरीज आ गई, तो वेब 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, सिमेंटिक वेब हम इसको कह रहे हैं आज की डेट पर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1.0 कैसे हमारा स्टार्ट हुआ, जो सब जब शुरू में हमारा 80s के बाद हम जब हम जैसे जैसे हमने इंटरनेट स्टार्ट करना शुरू किया 90s के आसपास जो है, तो धीरे धीरे पहले आर्पानेट आया, पहले दो साइट कनेक्ट हुई, फिर चार साइट कनेक्ट हुई, फिर 8 हुई, 16 हुई, इस तरह से फिर बहुत तेजी से नंबर ऑफ साइट्स हमारी इंक्रीज होती रही। तो जब शुरुआत हुई तो उसमें वेब 1.0 बोला गया इसको, तो उस समय जो साइट थी वो स्टैटिक साइट हुआ करती थी। तो उन स्टैटिक साइट में आप इसमें से देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक इसको स्नैपशॉट भी दिया हुआ है कि आप केवल स्टैटिक इंफॉर्मेशन, आपका जो कम्युनिकेशन है केवल वन वे कम्युनिकेशन है, आपने सर्वर से सर्वर पे अपनी वेबसाइट होस्ट कर ली तो अब आपकी वेबसाइट में कंटेंट शो होंगे, आप कोई अपडेट डायनेमिक साइट नहीं हुआ करती थी कि आप लाइव टाइम उसमें चेंज कर रहे हैं, आपके डेटाबेस में लाइव चेंजेस हो रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो ये इसको इस तरह के जो इनिशियल एज में जो वेब था उसको हमने वेब 1.0 क्या कहा। और ऑनलाइन जस्ट लाइक ऑनलाइन कैटलॉग, जैसे हम कहते हैं कि अगर किसी शॉप के बाहर रेस्टोरेंट के बाहर कैटलॉग लगा हुआ है कि आप देख सकते हैं उसको, बस आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, उस कैटलॉग में आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो ये डिस्प्ले होता था उस समय। तो दिस इज वेब 1.0। फिर उसके बाद वेब 2.0 बहुत इनिशियल एज की, आज भी हम बहुत सारी वेबसाइट ऐसी हो सकती हैं कि जो वेब 1.0 की स्टाइल की हों, जिसमें केवल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, केवल वो जस्ट लाइक ए प्रोस्पेक्टस, जैसे आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूट का, किसी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है जैसे, तो उसमें आपने क्या क्या आप देख सकते हैं उस प्रोस्पेक्टस को, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, केवल वो डिस्प्ले हो। तो दिस इज वेब 1.0, दिस इज जस्ट लाइक ए ऑनलाइन कैटलॉग। फिर आया, फिर चेंज हुआ, फिर जरूरत महसूस हुई और उसमें डेवलपमेंट हुए वेब में। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए तो हमने स्टार्ट कर दिया बाई डायरेक्शनल वेबसाइट। तो बाई डायरेक्शनल वेबसाइट में क्या है कि आपका यूजर जो कस्टमर है, वो जो कस्टमर, अगर हम किसी होटल की साइट की बात करें तो होटल में कस्टमर अपनी बुकिंग भी कर रहा है और साथ ही साथ उसको जो होटल है वो उसके अकॉर्डिंग उसको कंफर्मेशन भी दे रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं बाई डायरेक्शनल वेबसाइट। तो अब हमने जो वेब 2.0 था इसमें हमने इस तरह की वेबसाइट बनानी शुरू कर दी जिस जो डायनेमिक वेबसाइट थी और जिसमें टू वे कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम आ गया और इसके साथ साथ बहुत सारी नई चीजें आई वेब 2.0 में। तो इसको हम सेकेंड जनरेशन कहते हैं, जैसे अगर हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो हार्डवेयर में जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 इस तरह से अलग अलग हैं। सबसे पहले कि हमारे हमने अगर हम LSI की बात करते हैं, पहले ICI इंटीग्रेटेड चिप आई, फिर LSI आई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो IC से स्टार्ट किया हमने, IC से पहले वॉल्व हुआ करते थे, बहुत ह्यूज साइज के वॉल्व हुआ करते थे, तो वो वॉल्व का साइज इतना बड़ा होता था कि उस समय के जो टेलीविजन हुआ करते थे वो टेलीविजन भी एक रूम के बराबर स्पेस लेते थे, कंप्यूटर भी एक रूम के बराबर स्पेस लेते थे, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े वॉल्व लगे होते थे, बैलून साइज के वॉल्व होते थे। तो फिर वो रिप्लेस हुए, तो IC चिप आ गई, IC चिप रिप्लेस हुई, तो उसके बाद LSI। तो मोर्स लॉ, बड़ा फेमस लॉ है मोर्स का, तो वो कहता है कि जैसे जैसे हम इसके हार्डवेयर का साइज भी इंक्रीज होता है और कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज होता है, और जो कंप्यूटर है कैपेसिटी उसकी एवरी 18 मंथ इट इज डबल, कहता है कि हर 18 महीने में, और लगातार तब से जब से कंप्यूटर स्टार्ट हुआ है तब से मोर्स लॉ कभी भी फेल नहीं हुआ ऐसा लगता है, कि हर 18 महीने में हार्डवेयर की जो कैपेसिटी है वो डबल होती जा रही है। तो इस तरह से हार्डवेयर की जनरेशन भी आई, सॉफ्टवेयर की भी आई, सॉफ्टवेयर में हमने बात की
मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, उसका हाई लेवल में फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आ गए, फिर विजुअल प्रोग्रामिंग में आ गए, अब हम एआई का यूज करने लगे हैं, तो बहुत सारी चीजें मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग होगी, तो ये सब सारी चीजें हमारी अलग अलग ग्रोथ जो हुई हमारी, तो वही हम यहाँ पर वेब पे भी बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो वेब था वो वेब जो ये चीजें तो हमने कंप्यूटर में सारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, अलग अलग जनरेशन, चाहे सॉफ्टवेयर की जनरेशन है चाहे हार्डवेयर की जनरेशन, बट इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरेशन ऑफ वेब। तो हाउ वेब इज हाउ द डेवलपमेंट ऑफ वेब ये किस तरह से हुआ, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वेब 1.0 जिसमें केवल स्टैटिक साइट थी और जिसमें जो कैटलॉग की तरह डिस्प्ले करते थे, बट वेब 2.0 दैट इज बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में इसमें हम कम्युनिकेशन होता है। और दूसरा, दिस इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन ऑफ सर्विसेज अवेलेबल ऑन द वेब दैट लेट्स पीपल कोलैबोरेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो अब इसमें लोग जो है कोलैबोरेट करने लगे, अब वो आपस में कम्युनिकेट करने लगे हैं, अब वो इंफॉर्मेशन को शेयर करने लगे हैं, तो दिस इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन ऑफ सर्विसेज। सो गूगल इज सीन एज ए टॉर्च बियरर ऑफ द टंग ऑफ द मीडिया बाय द मीडिया। तो गूगल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, गूगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज आपका मोबाइल भी है तो स्टार्ट गूगल के अकाउंट से होता है, आपकी सारी मेल गूगल के थ्रू आ रही, चाहे गूगल स्कॉलर की बात करें या हम गूगल की बहुत सारी एप्लीकेशन है, गूगल डॉक्स की बात करें, हम एक्सेल में कोई सीट बनानी है वो हम गूगल में बना रहे हैं, ओपन ऑफिस है गूगल का, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। मेरा बगल में मोबाइल रखा हुआ है, मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो जैसे ही गूगल बोल रहा हूँ तो मोबाइल में वो पॉपअप कर जा रहा है, वो गूगल में वो गूगल असिस्टेंट ओपन हो जा रहा है, तो इतना इंटेलिजेंट सिस्टम हमने डेवलप कर दिया है। तो वेब 2.0 यूजेज एज एक्स, अब नई नई टेक्नोलॉजीज भी हुई, तो जब शुरुआत की हमने तो हमने HTML से शुरुआत की, उसमें हम HTML पढ़ते थे, HTML के थ्रू हम वेबसाइट डेवलप करते थे, पर अब हमारे पास बहुत सारे लेटेस्ट टूल आ गए हैं वेब पे, वेब 2.0 हम यहाँ पे एजेक्स का यूज करने लगे हैं, हम यहाँ पे मैसअप्स का यूज करने लगे हैं, RSS का यूज करने लगे, तो इस तरह से हम बहुत सारी वी आर यूजिंग नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज इन वेब 2.0। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ वेब 2.0 दैट आर ब्लॉग्स, विकी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वीडियो ऑडियो शेयरिंग साइट्स एंड बहुत सारी इस तरह से हमारी जो साइट्स हैं, चाहे फेसबुक की बात करें या यूट्यूब की बात करें या विकिपीडिया की बात करें, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ वेब 2.0। ये सारे किसके पार्ट हैं, वेब 2.0 के पार्ट हैं। जो वेब 1.0 में तो हम बेसिक साइट की बात करते थे, हम स्टैटिक साइट की बात करते थे, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेब 2.0 इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द विकीज, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं वेब 2.0 में। यहाँ पे हम जैसे विकिपीडिया की जो साइट से है वो हम डेवलप कर सकते हैं, हम ब्लॉग डेवलप कर सकते हैं, हम फेसबुक की तरह ही सोशल नेटवर्किंग साइट्स अपनी खुद की बना सकते हैं वेब 2.0 में, या हम यूट्यूब की तरह अपना प्लेटफॉर्म डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ वेब 2.0। तो वेब 2.0 जो हम कर रहे हैं, जो अभी हम करंट में जो सारी चीजें कर पा रहे हैं, ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वेब 2.0 है। तो वेब 2.0 की टेक्नोलॉजी भी बहुत सारी हैं, तो जैसे वेब 1.0 में तो हम केवल HTML और कुछ इस तरह से जावास्क्रिप्ट वगैरह ये यूज कर सकते थे, पर हमारे पास इस समय बहुत सारे नए टूल्स हैं, जैसे रूबी ऑन रेल की बात हम करते हैं, या हम RSS की बात करते हैं, या हम एजेक्स की बात करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे लेटेस्ट टूल हैं जिनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस तरह से वेब बेस्ड, अब ये सारी चीजें क्या है कि वेब बेस्ड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम फेसबुक की बात कर रहे हैं, फेसबुक इज फ्री टू ऑल, कि कोई भी फेसबुक में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू द फेसबुक, और फेसबुक में हम गूगल में सर्च के लिए हम कोई पैसा नहीं देते हैं, तो एवरीथिंग इज फ्री। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, या हम पब्लिश कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, ये सब कुछ पॉसिबल है ड्यू टू दीज सोशल नेटवर्किंग साइट्स और साइट्स लाइक यूट्यूब। तो ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हुआ, वेब 2.0 के थ्रू।
तो वेब 2.0 में फेसबुक आ गया, ट्विटर हम क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक की तरह, और फ्लिकर है इमेजेस वगैरह के लिए, और इसी तरह से यूट्यूब, myspace.com, वी कैन शेयर आवर इमेजेस, विकीपीडिया, डिलीशियस, इस तरह से बहुत सारे पॉपुलर नेम्स आ गए हैं। तो फेसबुक तो बहुत पॉपुलर है, ट्विटर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो ये सारी चीजें पॉपुलर है क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। YouTube के बिना हमारा काम नहीं चलता है। अगर हम कोई किचन में कुछ नई डिश भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले हम किचन में रखे अपने मोबाइल फोन में देख रहे हैं कि ये डिश कैसे प्रिपेयर की जा सकती है। आप रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हैं तो रेफ्रिजरेटर की जो डोर है उसमें स्क्रीन लगी हुई है, उसको आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया, आपकी आपके घर के जो मेम्बर हैं वो किचन में आपके रेफ्रिजरेटर के बाहर लगी हुई स्क्रीन पर देख ले रहे हैं सारे वीडियोस। तो ये बहुत सारी चीजें हैं एंटरटेनमेंट के लिए हमारे बहुत हेल्पफुल है। तो वेब 2.0 के ये बेनिफिट्स हैं। इसी तरह से जैसे अगर हम ब्लॉगिंग साइट्स है या हम ब्लॉग्स हैं, जिस तरह से अभी डॉक्टर नवीन ने बताया कि ब्लॉग्स का बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल डॉक्टर बालम दफौटी, उनका भी लेक्चर था, उन्होंने भी ब्लॉग्स के बारे में बताया। तो आप चाहे मनी अर्न करें या चाहे किसी भी फॉर्म में आप लें, तो ब्लॉग्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो हर एक कंपनी अपने ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं जिसमें वो अपने यूजर्स को अलाउ करती हैं। तो ये सारी चीजें, इसी तरह से myspace.com, ये बहुत सारे ये टर्म ऐसे हैं, ये इनिशियली स्टार्ट हुए थे और अब ये चेंज होते 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 बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं। तो MySpace क्या था कि अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी 2005 से 2008 के बीच में चली। उसके बाद ये ऑर्कुट था, बहुत पहले ऑर्कुट खत्म हो गया, तो क्योंकि इनोवेट नहीं किया उसने। तो ये नई अब जो फेसबुक आया, फेसबुक लगातार इनोवेट कर रहा है। इसी तरह से व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप को फेसबुक ने ले लिया, व्हाट्सएप बड़ा इंपॉर्टेंट। अब व्हाट्सएप जब स्टार्ट हुआ तो उससे पहले कभी किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने ये नहीं सोचा होगा कि ग्राफिक्स का इतना अच्छा यूज भी हो सकता है, कि ग्राफिक्स में भी रिसर्च की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो जब व्हाट्सएप में हम कोई एक पिक्चर सेंड करते हैं, और जब आपने शुरुआत की होगी व्हाट्सएप में, आपको याद होगा कि व्हाट्सएप में जब भी आप कोई एक पिक्चर शेयर करते होंगे, आप किसी अपने दोस्त को कोई पिक्चर शेयर करते थे, तो वो उसमें पैसा दिखाता था कि वो कितना पैसा कटा आपके अकाउंट से। तो आपके मोबाइल में शो होता था कि कितना पैसा आपका इस पिक्चर को सेंड करने में लगा, तो उसमें 1 पैसा, 2 पैसा, ऐसे 10 पैसा, इस तरह से लगता था। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफिक्स का बेस्ट यूज किया इसने। और जब हम किसी पिक्चर को या किसी वीडियो को सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, तो एक साथ 14-15 एल्गोरिथम उस फोटो के पीछे लगती है, उसको इतना उसका साइज डिक्रीज कर देती है कि वो इतना लाइट वेट हो जाता है कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में वो बहुत कम स्पीड भी अगर आपकी इंटरनेट की हो तो भी वो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये इसकी खासियत है। तो कभी किसी ने फेसबुक के बाद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि फेसबुक की तरह, फेसबुक से ज्यादा कोई पॉपुलर टूल हो सकता है आज की डेट में। व्हाट्सएप इज मोर पॉपुलर देन ईमेल। आपको मेल करनी है, जैसे आज भी ये लिंक था, तो ये व्हाट्सएप पे इस लिंक को भेजना ज्यादा कंफर्टेबल है और हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है कि हम सीधे मेल ना खोलें, व्हाट्सएप पे जाएं, उस लिंक को क्लिक करें और हमारा जो है ये मीटिंग स्टार्ट हो गई। तो ये सारी चीजें थी। तो उस समय जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो लगातार इनोवेट कर रहे हैं, अभी व्हाट्सएप को भी लगातार इनोवेट किया जा रहा है। उसमें भी जो अगर आज से अगर हम 2 साल पहले के व्हाट्सएप को देखें तो उसमें जो वीडियो सेंड होते होंगे उसमें टाइम लगता होगा, पर आज के उसमें और अच्छी क्वालिटी के वीडियो हमारे सेंड होते हैं और बहुत कम लिमिटेड टाइम में और बहुत कम पैसों में, कह सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये MySpace था इनिशियली, इसी तरह से फ्लिकर था, इमेज होस्टिंग सर्विसेज फ्लिकर, उसमें इमेज आप अपने लैपटॉप में रखने की जरूरत नहीं है, आपकी हार्ड डिस्क स्पेस ज्यादा ले रही है तो यू कैन अपलोड योर पिक्चर्स ऑन फ्लिकर। तो इस तरह से बहुत सारे, अभी तो गूगल ड्राइव है वहां पे हम अपलोड कर लेते हैं, तो लिमिटेड साइज है, बट कॉमर्शियली वी कैन इंक्रीज इट साइज, और हमको कुछ पे करना होता है तो हम उसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लिकर है, फ्लिकर में हम फोटो शेयर कर सकते थे। तो अब बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो इस तरह से जो फेसबुक भी था वो भी इनिशियली वॉज फेस में, सो दैट टाइम जब ये जुकरबर्ग ने स्टार्ट किया तो उस समय जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस यूनिवर्सिटी का इन्होंने इंटरनेट यूज करके फेसमेस बनाया जिसमें पिक्चर शेयर किया करते थे। बट ये चीज इतनी पॉपुलर हो गई धीरे धीरे धीरे
तो उस समय इनको जो है इनको पनिश भी किया गया कि भैया आपने जो है यूनिवर्सिटी के इंटरनेट को इतना ज्यादा बैंडविड्थ ले ली, तो इनको निकाल दिया गया। तो ये कॉलेज ड्रॉप आउट थे उस समय के शायद कुछ तो, पर इन्होंने इतना पॉपुलर टूल बनाया कि आज की डेट पे फेसबुक का कोई कंपटीशन ही नहीं है या ट्विटर का कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीटिव है ही नहीं। तो अगर कोई नया टूल आता है तो वो फेसबुक का कंपटीशन में वो टूल एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो जब तक कि कोई नया आइडिया ना आए। तो व्हाट्सएप फेसबुक की जगह लेता, उससे पहले व्हाट्सएप को फेसबुक ने टेक ओवर कर लिया। तो इस तरह से इफ यू थॉट ब्लॉगिंग वॉज द पैसिव फ्री एंड वॉलंटरी थिंक अगेन, तो इस तरह से ब्लॉगिंग साइट्स होती हैं जहां हम अपने अपने व्यूज भी अपलोड करते हैं ब्लॉगिंग साइट्स में, तो ये बड़ी पॉपुलर साइट्स होती हैं ब्लॉगिंग साइट्स। तो ये ब्लॉगिंग साइट्स हम वेब 1.0 के टाइम में हम इसको डेवलप नहीं कर सकते थे, दिस इज पॉसिबल ड्यू टू दिस वेब 2.0। ऐसे netscape.com है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो ब्लॉग्स के हैं। अपनी यूनिवर्सिटी का भी ब्लॉग बना हुआ है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के अपने ब्लॉग साइट्स बनी हुई हैं। किसी तरह से myspace.com, ये सारी ब्लॉगिंग साइट्स हैं। तो इनके अपने अपने, जैसे हमारा अपना यूनिवर्सिटी का ब्लॉग है, तो ये मैंने एक स्नैपशॉट इसमें लगाया हुआ है। तो इस तरह से हम खुद के ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही फिर हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वेब 2.0। सो वेब 2.0 है, इसलिए पॉसिबल है सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्रिएट करना, इस तरह का सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं। जबकि अगर आपको प्लेन वेब टेक्नोलॉजी आती है तो वहां पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो myspace.com है जिस तरह से, orkut.com था, या अभी लिंक्डइन बड़ा पॉपुलर है, फेसबुक पॉपुलर है, ट्विटर पॉपुलर है। तो लिंक्डइन में हम जैसे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके लिए ज्यादा यूजफुल होता है। तो इस तरह से ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, ये भी वेब 2.0 में डेवलप कर सकते हैं। तो वेब 2.0 बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो हम, वेब 2.0 इज नॉट ए सॉफ्टवेयर, इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। तो वेब 2.0 एक वेब एज कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर को यूज किया जा रहा है। तो वेब की जो इंपॉर्टेंस है आप उसको समझ सकते हैं कि स्लाइड में मैंने दी हुई है, पर्सन ऑफ द ईयर यू, मतलब आप पर्सन ऑफ द ईयर हो सकते हैं, आप भी एक कॉमन मैन पर्सन ऑफ द ईयर हो सकता है। आप देखते होंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक लेडी थी जो ट्रेन में गाना गाया करती थी, और उसको किसी सिंगर ने देखा, उसका बड़ा पॉपुलर हुआ गाना और वो सोशल मीडिया पर आया, और फिर उसको जो है उसको बुलाया गया और वो बहुत बड़े लीड सिंगर के साथ उसका गाना फिर रिकॉर्ड किया गया। तो वो अभी बीच में जो सिंगिंग कंपटीशन होते रहते हैं तो उसमें आता रहता है। तो इस तरह से तो आप भी पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हो सकते हैं। जैसे बहुत बार आता है तो टाइम मैगजीन का जो पर्सन ऑफ द ईयर है, बहुत बार ये आया कि जो है US के प्रेसिडेंट हैं वो पर्सन ऑफ द ईयर हैं। तो इसी तरह से फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो चेंज होकर के दूसरा कोई आ गया। तो इस तरह से आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी पॉपुलैरिटी केवल जो है इंटरनेट, जो हमारा जो है वेब है, वही बढ़ा सकता है। तो YouTube अपने आप में एक बहुत बड़ा वेब 2.0, जिसमें हम YouTube क्रिएट कर सकते हैं खुद का, MySpace, eBay, Amazon, Google, तो ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये पॉसिबल हैं किसके थ्रू, दिस वेब 2.0 अलाउ पीपल टू इजीली लोकेट एंड कोलैबोरेट विद अदर्स लाइक इंटरेस्ट। जो एक तरह के इंटरेस्ट के लोग हैं उनको कोलैबोरेट करने का काम है, या क्विक एंड इजी क्रिएशन ऑफ द कंटेंट क्रिएट करने का काम है, या फिर गैदर स्टोर एंड लीवरेज द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सारे काम हम इसके थ्रू कर सकते हैं, वेब 2.0 के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी आप देखिएगा, इसमें वेब 2.0 और 3.0 में क्या कंपेरिजन हो सकता है। तो वेब 2.0 यहाँ पे क्या है कि वेब 1.0 दैट इज प्रीटी मच HTML पेज व्यूड थ्रू ए ब्राउजर। तो हम यहाँ पे जिन पेजेस को रीड कर सकते हैं, जो पेज स्टैटिक हैं, या वो केवल क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं कि आपका सिस्टम क्लाइंट की तरह काम कर रहा है और एक सर्वर जो है उससे ये कनेक्ट होंगे। तो स्टैटिक पेज की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मैं ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस वन, एंड नाउ द वेब 2.0 जो अभी हम इसमें बहुत सारी चीजें इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो वेब 2.0 वेब पेजेस प्लस लॉट ऑफ अदर कंटेंट शेयर्ड ओवर द वेब विद मोर इंटरेक्टिविटी लाइक एन एप्लीकेशन
देन पेजेस. तो यहाँ पे हम पेजेस की बात नहीं कर रहे हैं. वेब 1.0 दैट वाज वेब पेज, दैट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द वेब पेज जो हम रीड कर सकते थे, जो स्टैटिक पेजेस थे. पर अब डिफरेंस समझिए आप इसको कि नाउ वेब 2.0 इज नॉट जस्ट लाइक ए पेज, दिस इज जस्ट लाइक एप्लीकेशन. आप बहुत सारे ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप के थ्रू भी मार्केटिंग होती है. मैं डिजिटल मार्केटिंग में भी बात करूंगा इसमें. तो राइट एंड कंट्रीब्यूट पोस्ट, हम राइट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, डायनेमिक साइट डेवलप कर सकते हैं, ब्राउजर क्रिएट कर सकते हैं, वेब सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं. सो लॉट्स ऑफ फीचर्स ऑफ दिस वेब 2.0. और फिर हम आते हैं, अब इसके बाद में स्विच कर रहा हूँ वेब 3.0 में. अभी तक तो ये सारी चीजें थी वेब 2.0 में, जब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये सारे फीचर्स थे वेब 2.0 में, जिसमें हम ये सारी चीजें डेवलप कर सकते थे. चाहे हम ब्लॉग्स की बात करें, विकीज की बात करें, फेसबुक लाइक सॉफ्टवेयर की बात करें, या यूट्यूब की बात करें, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ वेब 2.0. तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी थे, ब्लॉगर्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, माई स्पेस है, और अभी लेटेस्ट टूल जितने भी हैं. तो दीज ऑल आर पार्ट ऑफ दिस वेब 2.0. तो अब हम बात करेंगे वेब 3.0 की. तो वेब 2.0, वेब 1.0 तो ये कवर हो गया. नाउ वेब 3.0, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की बात कर रहे हैं, जबकि हम अभी तक केवल इसको समझ पाए हैं. अभी तक जो हम यूज कर रहे थे केवल हम वेब 2.0 को ही कवर कर चुके थे, पर अब हमें वेब 3.0 की ओर मूव करना है. आज भी हम मोस्टली वी आर यूजिंग वेब 2.0. द सीईओ ऑफ IBM लास्ट टाइम शी वाज विजिटेड इन इंडिया, और उसने यही कहा कि भाई हमारी जो डिमांड है, हमको तो बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की डिमांड है, पर हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, हमको वो ह्यूमन सोर्स मिल ही नहीं पा रहा है. मतलब कंपनी कह रही है कि आप ये समझिएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे इस वर्कशॉप में, तो आप इन सारी चीजों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमको समझना बिल्कुल, ये अगर कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आ गया तो हमारी लाइफ बन गई, ये समझ लीजिए आप. मतलब ये चाहे मैं टीचर हूँ, टीचर के भी समझ में आना चाहिए कि मेरी जो टेक्नोलॉजी है, मेरे जो टूल्स हैं, अगर हमारा जो सैनिक बॉर्डर पे है वो 30 साल पुरानी राइफल लेकर के अगर बॉर्डर पर खड़ा है तो काम नहीं चलेगा, वो तो मारा जाएगा. उसको AK-47 लेनी पड़ेगी, और जो लेटेस्ट वेपन है उसके पास जब तक नहीं होंगे तब तक वो अपने दुश्मन से फाइट नहीं कर पाएगा. ये तो साफ सी बात हमारा अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी. तो वही चीज अब हम टेक्नोलॉजी की बात भी करते हैं, वही चीज अगर हमको जॉब लेने के लिए जाना है तो हम अपने बच्चे को कहते हैं कि भाई तुझे लैपटॉप क्यों चाहिए, तुझे टैबलेट क्यों चाहिए, कि तुम वेस्ट करोगे उस टैबलेट को, तुम उसमें यूट्यूब में जो है टाइम वेस्ट करोगे, अच्छी साइट्स नहीं देखोगे. हम ये कहते हैं उसको, और हम कहते हैं नहीं, दिस इज वेस्टेज, आप पढ़ाई करिए. हम उसको वो टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे इनोवेटिव थिंकिंग नहीं है. आज भी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बिना इसके उसका काम नहीं चल सकता है. हमको ये इथिक्स हमको समझाने पड़ेंगे कि भाई आपको ये साइट्स नहीं देखनी है, ये देखनी है, ये काम करना है, ये हमें समझाना है, बाकी वो एक्सप्लोर कर लेगा. तो आपके पास जब तक टूल नहीं होंगे, चाहे हम टीचर की बात करें चाहे हम स्टूडेंट की बात करें, अगर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इफ वी आर नॉट नोइंग मशीन लर्निंग, इफ वी आर नॉट नोइंग दिस IoT, वी आर नॉट नोइंग अबाउट दिस ड्रोन टेक्नोलॉजी, या हम रोबोटिक्स अगर जब तक हमको नहीं मालूम है, तो हम फेस कैसे करेंगे बाकी लोगों को. बाकी जो एडवांस जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, दे आर डूइंग लॉट्स ऑफ कंपटीशन, अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं. आप देखेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में या अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे चल रहा है कि एक जो है उनका सेंटर चल रहा है, जो IBM चला रहा है एक सेंटर चला रहा है, TCS चला रहा है. तो इस तरह से बहुत सारी कंपनीज को वो अपने अपनी यूनिवर्सिटी में वहां पे स्पेस दिए हुए हैं, और वो वहां पे उनके सेंटर्स हैं, वो वहां पे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनको जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेन कर रहे हैं. तो यू नीड इक्विपमेंट, तो आपके पास वो इक्विपमेंट होना चाहिए. तो इक्विपमेंट कोई हमारे पास फिजिकल, कोई स्टूडेंट या टीचर के पास फिजिकल इक्विपमेंट तो ठीक है, लैपटॉप आपके पास, मोबाइल अच्छी क्वालिटी का, ये सारी चीजें तो ठीक है, ये इतना समझ में आता है. बट योर इक्विपमेंट, योर नॉलेज, योर
लर्निंग ऑफ पर्टिकुलर स्किल, जो कौशल इंडिया की बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं। तो मैं बात जो कर रहा हूँ कौशल इंडिया वो यही है, वेब 3.0। आवर स्कूल इज स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज। तो हम वोकेशनल, हम यहाँ पे जो स्किल की बात करते हैं तो हमारी स्किल यही है कि इफ वी आर नोइंग दिस वेब 3.0 जो लेटेस्ट है, क्या हम एक्सपर्ट, हम डिजिटल एक्सपर्ट हैं, वी आर द एक्सपर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर क्या हम अपने अपने स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बना करके मार्केट में भेज रहे हैं, ये हमको समझना है। अगर हम अपने स्टूडेंट को डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बना करके भेज रहे हैं तो इसका मतलब उसको जॉब 100% मिलेगा। हम उसको यूट्यूब का एक्सपर्ट बना के भेज रहे हैं। प्रोफेसर नवीन ने जो अभी बताया, कितनी डिटेल में चीजें बताई, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत ज्यादा डिटेल में। और वही जो मैं अभी बात कर रहा था कि द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर यू, मतलब आप भी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हो सकते हैं। तो बहुत सारे जब आप केबीसी देखते हैं या आप जो अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं टीवी में, तो आप उसमें देखते हैं कि कुछ लोग जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, जो यूट्यूब में बड़ा कमाल करते हैं, उनको उनको वो रिकग्नाइज करते हैं कि भाई यूट्यूब में आपने इतना इतने कैसे कर लिया, तो बहुत बार आता है। तो वो स्टार्ट, छोटी सी स्टार्ट करते हैं और बहुत आगे तक पहुंचते हैं। तो इस तरह से लोग कर रहे हैं, इसमें अपने खुद की साइट्स डेवलप कर रहे हैं, अपने खुद के न्यूज चैनल्स डेवलप कर रहे हैं। तो जो चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट में कर सकते थे, वो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट देम। सो दिस वेब 3.0 इज अमेजिंग आज की डेट पे जो ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो हमको कौशल विकास करना है, हमको स्किल्ड मैन पावर डेवलप करनी है, स्किल्ड पर्सन डेवलप करने हैं, एंड वी शुड ऑल्सो बी स्किल्ड। हमको भी स्किल्ड होना है, हमको भी ये सारी चीजें आनी चाहिए, हमको भी वेब 3.0 आना चाहिए। वी शुड नो दिस AI एंड दिस मशीन लर्निंग, क्योंकि मशीन लर्निंग हर जगह यूज है, चाहे हम SPSS की बात करें, चाहे हम डेटा साइंस की बात करें, वो एजुकेशन में भी यूजफुल है, सोशल साइंस में भी यूजफुल है, हर फील्ड में उसको हम यूज करते हैं। सो दिस वेब 3.0, दिस इज अमेजिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो मोबाइल इंटरनेट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मोबाइल इंटरनेट, वेब 3.0, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस IoT। अब आप बात करते हैं कि जब हमने शुरुआत की थी, तो हमने वेब पे बात की थी, वेब 1.0, हमने स्टैटिक साइट जो HTML का, कि हम लोग कंप्यूटर साइंस वाले हैं, इसमें बहुत सारे वर्कशॉप में कंप्यूटर साइंस के लोग होंगे, तो आप लोगों ने HTML में काम किया होगा, JavaScript में किया होगा, JSP में किया होगा। तो हम एक पैटर्न की साइट डेवलप करते थे, हम एक ही तरह का हमने, या हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, तो हमारे स्टूडेंट किस तरह के सॉफ्टवेयर, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेडिशनल अप्रोच के सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। तो पर अब हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया है, अब हम अपने, हमने अपने स्टूडेंट्स को इस ओर भी गाइड करना है और खुद भी गाइड होना है कि हमारे पास बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडिया है। वी हैव द सॉफ्टवेयर लाइक ओला, वी हैव द सॉफ्टवेयर लाइक उबेर, वी हैव द सॉफ्टवेयर लाइक जोमेटो। तो वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर तो सारा कर रहा है कि जो जोमेटो इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, या ओला उबेर जिसके पास ओला जो उबेर जो कंपनी है, they don't own any taxi but they have largest network of the taxi। मतलब इतनी टैक्सी किसी के पास हो ही नहीं सकती है जितनी टैक्सी ओला उबेर की है अपनी टैक्सी है। तो क्या है कि उसके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, उसने इतना इतना बेनिफिट दे रहा है, विन विन सिचुएशन, एवरीवन इज इन विन विन सिचुएशन, एवरीवन इज द ओनर ऑफ द ओला। तो हर एक प्रॉफिट ले रहा है उसमें, जो वेबसाइट होस्ट कर रहा है, वेबसाइट चला रहा है अपना ओला, वो भी उसका प्रॉफिट ले रहा है, जो जो टैक्सी है ओनर है वो भी अपना उसमें प्रॉफिट ले रहा है, तो सारे लोग प्रॉफिट ले रहे हैं। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर किस पर बन सकते हैं, ये वेब 2.0, वेब 3.0 जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो IoT आज बात हो रही है IoT की, कि आप एड देखते हैं कि जब वो सीढ़ी पे केक को लेके जाता है उसमें, तो वो अंधेरा होता है सीढ़ी पे, तो वो केक जैसे ही लेके चढ़ रहा होता है तो अचानक लाइट जल जाती है। तो इसका मतलब क्या किया कि उस लाइट ने, उस बल्ब ने आपको सेंस कर लिया, और उसने सेंस किया और आप ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो गई। तो इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। एक पहले एक एड आता था जिसमें ये चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि कंपनीज ने इनको लॉन्च कर दिया, कंपनी आर डूइंग बिजनेस ऑन दिस टेक्नोलॉजी, कंपनी आर वर्किंग ऑन दिस IoT। आज की डेट पे IoT इनेबल्ड डोर लॉक भी आ रहा है, उसका भी एड में देख रहा था बीच में। तो आप घर के बाहर आए, आपने उसको IoT, जैसे आपका मोबाइल सिस्टम उससे कनेक्ट हुआ, उसने ऑटोमेटिकली आपके डोर को, जो IoT इनेबल्ड लॉक है, उसको ऑन कर दिया।
गया, तो वो जो है आपका जो है अगर चोर आ गया घर में तो वो नहीं कर सकता उसको, क्योंकि वो सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड है, तो इस तरह की सिक्योरिटी है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आईओटी के लिए जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो वेब 1.0 में नहीं बन सकता है, जो एचटीएमएल में हम उसको नहीं बना सकते हैं, एचटीएमएल इज नॉट कैपेबल इनफ टू डेवलप सच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो वेब 3.0 हम मशीन लर्निंग को इंक्लूड कर लिया हमने इसमें, अब हम जो वेब पे हमारी वेबसाइट में मशीन लर्निंग को हमने इंक्लूड कर लिया, हमने आईओटी को इंक्लूड कर लिया। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिमेंटिक वेब की, इट इज द फोर मेन प्रॉपर्टी और दैट डिफाइन वेब 3.0, वो क्या है, इट इज ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट रन ऑन वेब इनटू बिग डेटाबेसेस। तो यहाँ पे जो है सिमेंटिक वेब की बात जब हम कर रहे हैं तो बहुत बड़े डेटाबेसेस की बात कर रहे हैं। इसकी चार प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने दी हुई है, वेयर सिमेंटिक वेब इज वेब 3.0 हैविंग दिस सिमेंटिक वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D ग्राफिक्स, यूबिक्विटस, ये चार चीजें मिला करके हमारा वेब 3.0 बना। अब आप देखें दिस इज इंटायरली डिफरेंट, जो हम यूज कर रहे थे जब हमको ये पता नहीं था, आज की डेट में वेब 1.0 बहुत पहले स्टार्ट हुआ, वेब 2.0 इज रनिंग नाउ और वेब 3.0 की ओर हम मूव कर रहे हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वेब 3.0 मींस दिस इज द कलेक्शन ऑफ दिस सिमेंटिक वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D ग्राफिक्स, यूबिक्विटस। सो वी आर इंक्लूडिंग ऑल दीज टर्म्स विद आवर वेब, मतलब आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, आप अभी तक हम वेबसाइट क्रिएट, हम बात करते थे कि वेब डेवलपर की बात करते थे, अभी तक जो हमारा वेब डेवलपर था वो केवल जीएसपी को जानता था, जावास्क्रिप्ट को जानता था, जावा सर्वलेट, पीएचपी, इन टूल्स पे काम करके वेबसाइट, रूबी ऑन रेल, इन टूल्स पे काम करके वेबसाइट डेवलप करता था, और सिंपली वेब डेवलपर जस्ट लाइक ए प्रोग्रामर या कंप्यूटर ऑपरेटर की तरह कोई भी वेबसाइट को डेवलप कर लेता था। और फिर हम थोड़ा सा और एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती थी, हम कहते थे भाई आपको हमारी साइट बनानी है जिसमें डेटाबेस भी होगा, डायनेमिक साइट्स होगी, तो हम थोड़ा सा और हायर लेवल की कंपनीज को हायर करते थे, अपने वेब टूल्स डेवलप करते थे, पर आज की डेट पे वो लोग कैपेबल नहीं है। आज हमको ऐसे एक्सपर्ट चाहिए, वी नीड सच ए कंप्यूटर ग्रेजुएट, या हमको ऐसे कंप्यूटर ट्रेंड एम्प्लॉय चाहिए जो वेब 3.0 को जानते हैं। तो इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि वेब 3.0 है क्या, वेब 2.0 में तो ये सारी चीजें, अभी भी हम बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो ट्रेंड इंजीनियर्स हैं, वो अभी भी फेसबुक या यूट्यूब इस तरह के सिस्टम डेवलप करने में कैपेबल नहीं है। तो हमको वो भी तैयार करने हैं, हमको वेब 3.0 के अकॉर्डिंग भी लोग तैयार करने हैं। तो ये सारी चीजें थी, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेब 3.0 इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल आईओटी, बिग डेटा, एआई, एवरीथिंग इज इन दिस वेब 3.0। तो ये मोबाइल इंटरनेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आज की डेट में मोबाइल इज ए वेरी यूजफुल टूल, मेनी टाइम इन ए लॉन्ग डे वी आर, मतलब हम पूरे दिन हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन नहीं करते हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग बाय आवर मोबाइल फोन, सारी मेल का रिप्लाई हमने मोबाइल फोन से करते हैं, कुछ डिक्टेट करना है, टाइप करना है, कुछ हिंदी में टाइप करना है, दैट इज बाय आवर व्हाट्सएप, तो सब कुछ हमारा मोबाइल फोन ही कर रहा है सारी चीजें। तो मोबाइल इंटरनेट, तो हमारा जो वेब ऐसा होना चाहिए कि हम मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकें, वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सके, ऐप डेवलप कर सके, तो ये पॉसिबल है वेब 3.0 में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए, जब मैंने स्टार्ट किया इसको पढ़ना तो मेरे लिए इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑल्सो। सो दिस सिमेंटिक वेब, AI, 3D ग्राफिक्स एंड यूबिक्विटस ऑल आर पार्ट ऑफ दिस वेब 3.0। हाउएवर दिस वेब 1.0, दिस इज ओनली स्टैटिक साइट, वन डायरेक्शनल साइट, दिस इज जस्ट लाइक ए कैटलॉग, दिस जस्ट लाइक ए कैटलॉग ऑफ एनी रेस्टोरेंट, तो या किसी होटल का कैटलॉग जिस तरह से है रेस्टोरेंट का, वो उसी तरह से था वेब 1.0। वी हैव लिमिटेड टूल, हमारे पास बहुत लिमिटेड टूल्स थे, सॉफ्टवेयर थे जिनकी हेल्प से हम वेब 1.0 में काम कर सकते थे, बट सडनली वी हैव स्विच्ड ऑन दिस वेब 2.0 एंड हियर वी हैव मैनी लेटेस्ट टूल, हमें यूट्यूब, ब्लॉगर्स, इस तरह से फेसबुक, इस तरह से इनके लिए एप्लीकेशन डेवलप करना स्टार्ट किया, फिर हम वेब 3.0 पर आए जो मोबाइल इंटरनेट की बात करते हैं। तो इस तरह से अब आप कंपैरेटिव स्टडी यहाँ पे देखिए
कि जब हम वेब 1.0, मैं अलग अलग एंगल से आपको तीनों को कंपेयर करके दिखा रहा हूं कि वेब 1.0 मेनी वेबसाइट कंटेनिंग अनस्ट्रक्चर्ड टेक्सुअल कंटेंट. तो द कंटेंट एट द टाइम ऑफ वेब 1.0, एट द एज ऑफ दिस वेब 1.0, द कंटेंट आर अनस्ट्रक्चर्ड. जो कंटेंट थे वो अनस्ट्रक्चर्ड थे, स्ट्रक्चर्ड नहीं थे. आप किसी भी फॉर्म में वेबसाइट बन रही है, किसी भी तरह की वेबसाइट बन रही है, तो इस तरह का कुछ हुआ करता था और स्टैटिक साइट्स बनती थी. बट ड्यूरिंग दिस वेब 2.0, आफ्टर 1.0, फ्यू लार्ज वेबसाइट, कुछ ही वेबसाइट बहुत अच्छी होती थी, और अदर बाकी जो वेबसाइट थी वो वेब 1.0 के स्टैंडर्ड की ही होती थी. फ्यू लार्ज वेबसाइट आर स्पेशलाइज्ड ऑन स्पेसिफिक कंटेंट टाइप, जैसे The website of this YouTube, website of Flickr, website of encyclopedic article, तो इस तरह से Google की है या Facebook की है, तो इस तरह के कुछ साइट है तो बहुत अच्छी होती थी, बाकी साइट है अनस्ट्रक्चर्ड ही होती थी वेब 2.0 के टाइम में जो अभी चल रहा है. बट इन वेब 3.0 मैनी वेबसाइट कंटेनिंग सिमेंटिकली सिंडिकेटिंग आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट. तो इसमें क्या कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा और सारे सिस्टम एक से हो जाएंगे, क्योंकि आवर मोबाइल फोन नाउ आवर मोबाइल फोन हैविंग द गुड रेंज ऑफ दिस रैम एंड स्टोरेज. इसी तरह से हमारे लैपटॉप का भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हम यूज करने लगे, तो सारी चीजें बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज करने लगे, और जनरली जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं वो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं. वी आर यूजिंग एआई इन ऑल द वेब टूल्स, या सब में हम एआई का यूज करने लगे हैं. वी हैव स्टार्टेड बॉट्स ऑन आवर वेब सिस्टम. तो इस तरह से हम जब ये सारी चीज स्टार्ट करने लगे तो ये सारे सिस्टम एक से हो जाएंगे, कहता है कि वेब 3.0 में. तो ये दिस इज एक्सपेक्टेड दैट दिस वेब ड्यूरिंग दिस वेब 3.0, तो इस तरह से हमारा ये होगा. तो ये हम लिंक डेटा की बात कर रहे हैं, और हम जो है AI बेस्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं वेब 3.0, एंड अगेन वी आर मूविंग टूवर्ड्स वेब 4.0. तो इस तरह से हम 4.0 की ओर भी हम मूव कर रहे हैं, जहाँ पे हम रोबोटिक्स और AI और हायर लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आएंगी. तो हाउ वेब 3.0 इज ट्रांसफॉर्मिंग आवर सोसाइटी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कैसे हमारे सोसाइटी को चेंज कर रहा है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस जियोलोकलाइज्ड सिस्टम वेब. दिस इज ड्यू टू वेब 3.0, दिस इज नॉट इन वेब 2.0. जब हम वेब 2.0 की बात करते थे, दिस इज द लेटेस्ट सिस्टम. दिस सिस्टम विच इज डेवलप्ड बाई ओला एंड उबेर, जोमेटो, या अभी अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो शायद उसमें एक उड़ान सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आपको मेडिसिन आपके घर तक पहुंचेगी, और उनके कॉन्टेक्ट रहते हैं मेडिकल स्टोर से. मेडिकल स्टोर पे आपको आपका ऑर्डर आया, वो मेडिकल स्टोर से पिक करेंगे आपकी मेडिसिन को और वो आपके घर तक ड्रॉप करेंगे. तो देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द एप्लीकेशन. तो ये ओला उबर से शुरुआत हुई और फिर उसमें जोमेटो स्विगी पे आया, और इस तरह से अब हर एक उसमें सिस्टम धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे हैं. दिस इज ड्यू टू दिस वेब 3.0 बिकॉज वी आर यूजिंग जियो लोकलाइज्ड सिस्टम. हम यहाँ पे जीपीएस का यूज करने लगे हैं, जबकि जीपीएस का हमको कभी ये मालूम नहीं था कि जीपीएस का इतना बेस्ट यूज भी हो सकता है. तो जीपीएस इज ए पार्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग. सो 5 years बैक वी हैव स्टार्टेड ए टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग, वी हैव स्टार्टेड ए बुक ऑन टेक्नोलॉजी, देन वी हैव मेंशनड वन चैप्टर इन दिस जीपीएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. आज हमारी यूनिवर्सिटी में भी इस पर कोर्स है, तो पीजी डिप्लोमा इन समथिंग दिस जियो इन्फॉर्मेटिक्स. तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स, तो जियोग्राफी एंड जीपीएस सिस्टम एंड इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है दोनों का. तो ये आया वेब 3.0 में, नंबर वन. नंबर टू, हम आज की डेट पर फ्रीक्वेंटली वी आर यूजिंग दिस फिटनेस बैंड और दिस स्मार्ट वॉच. सो दिस स्मार्ट वॉच इज कनेक्टेड विद आवर बॉडी एज वेल एज आवर डिवाइसेज, आवर मोबाइल फोन एंड आवर होम अप्लाइंसेज ऑल्सो. तो इसको हम जो IoT बहुत तेजी से, आज से हम 10 साल पहले हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि क्लाउड कंप्यूटिंग इतना इंप्रूव करेगा, या ये जो सिस्टम है IoT सिस्टम है ये आएगा भी नहीं आएगा. ये केवल इमेजिन करते थे, काश ऐसा भी हो सकता है, काश हमारे मोबाइल ऐसे हो सकते हैं. क्या हम मोबाइल से पहली बार, जब हमने, आपको याद करिए, जब पहली बार आपने अपने मोबाइल में पिक्चर देखी होगी तो आपको बड़ा मजा आया होगा कि अरे वाह, हमने मोबाइल में टीवी देख रहे हैं. जब जियो के नेटवर्क आए, जियो ने अपने
सिम सेल करने स्टार्ट किए, उससे पहले फ्री में देते थे। तो जब जियो एक रिवोल्यूशन लेकर के आया कि हमने अपने मोबाइल पर टीवी देखते थे, हमारा एबीपी न्यूज हमारा मोबाइल पर आता था, हमारा केबीसी हमारे मोबाइल पे आता था, तो हमें बड़ा मजा आता था कि अरे वाह हमारे मोबाइल पे सब कुछ चल रहा है। और दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस आर वेरी यूजफुल दैट टाइम, एंड अभी भी हम यूज कर रहे हैं उसको, देख रहे हैं, गाने सुनते हैं अपने, उस पर मूवीज देखते हैं। पर जब हमने इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, तो उसमें जो क्वालिटी थी वो आज की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। तो तब हम इमेजिन करते थे कि क्या ऐसा भी हो सकता है, जब वो चीज हुई तो हमें बड़ा मजा आया। तो ऐसे ही आईओटी की बात करते हैं, तो व्हेन वी हैव स्टार्टेड दिस आईओटी, और उसमें हम सोचते थे कि क्या घर हमारा पूरा आईओटी इनेबल्ड हो जाएगा, वो आज पॉसिबल है। आपको एड पे आ रहा है, कॉमर्शलाइज कर रही है, बहुत सारी जो एलईडी बल्ब हैं वो आईओटी इनेबल्ड हैं, आप घर पे उनको लगाइए, आप अपने मोबाइल से कंट्रोल करिए। तो ये सारे, मैं अभी डोर की बात कर रहा था कि आपका आईओटी इनेबल्ड डोर है, तो ये जो है ये सारी डिवाइसेस, ऑल दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद योर फिटनेस बैंड, योर स्मार्ट वॉच। तो दिस स्मार्ट वॉच, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी प्रिपेयर्ड विच इज कनेक्टेड विद द नेट। तो पहली बार जब हमने देखा कि हमारे घर पे लगा हुआ जो वीडियो कैमरा है, जो वो हमारे मोबाइल पे, हम कहीं भी मूव कर रहे हैं वहां से उसको देख ले रहे हैं कि भाई हमारे घर पे चल क्या रहा है। तो रिमोटली वी आर कनेक्टिंग अवर डिवाइस विद दिस आईओटी डिवाइस, तो ये पॉसिबल है ड्यू टू दिस वेब 3.0। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर, तो हमको वेब 3.0 के स्टैंडर्ड के सॉफ्टवेयर को समझना आज की डेट पे बहुत जरूरी है। जब हम ये नहीं समझेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो ऑगमेंटेड रियलिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी मोदी जी का जो स्पीच हुई थी वहां पे केदारनाथ पे, तो मोदी जी का कहना था, मैंने उसमें एक स्पीच, उनकी स्पीच में उन्होंने ये कहा कि मैं इसको लगातार वॉच करता रहता था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, दिल्ली से। अब लगातार कैसे वॉच करते थे, ड्रोन के थ्रू वॉच करते थे कि भाई वहां पे जो बंदा है केदारनाथ के पास में, तो वो ड्रोन से वहां का जो पूरा वीडियो उनको शो कर रहा है, वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कि भाई कहाँ पे इस बिल्डिंग में इतना काम क्यों नहीं हुआ। तो एक प्राइम मिनिस्टर वहां से दिल्ली में बैठ करके, और वो केदारनाथ की जो है वहां डेवलपमेंट प्लान्स को देख रहा है। तो दिस इज ड्यू टू दिस वेब 3.0, दिस इज ऑगमेंटेड रियलिटी, या हम वर्चुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं कि वर्चुअल टूर करा रहे हैं। अभी हमने कुछ एक इस पर काम किया था कि आपने कहा कि आपके टेम्पल का हम वर्चुअल टूर कराएंगे, तो आप वर्चुअल टूर कराएं, आपके पास वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस हैं कि यू आर मूविंग टीवी, मतलब आप टीवी जो है रूम से बाहर तो नहीं ले जा सकते हैं, बट बाय दिस वर्चुअल रियलिटी कि टीवी मूव ऑन योर आईज, मतलब ये कह सकते हैं, तो यू विल फील द एक्सपीरियंस ऑफ द टीवी। टीवी से ज्यादा एक्सपीरियंस आपको 3D पिक्चर्स आप देख सकते हैं, HD क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ वीडियोज हैं जो हम इसमें वॉच कर सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस रियल इस्टेट को वर्चुअल टूर कर सकते हैं। सपोज यू आर नॉट रीचिंग ऑफ एट दैट पार्ट, तो यू कैन डू द वर्चुअल टूर। तो इस तरह से किसी रियल इस्टेट को आपको देखना है, किसी बिल्डिंग को आपने देखना है परचेज करने से पहले, यू कैन सी द वर्चुअल टूर ऑफ दिस वन। तो इस तरह से अब एक इस डायरेक्शन में भी बहुत तेजी से काम हो रहा है कि आप जो है मशीन अंडरस्टैंड द ह्यूमन। तो आज की जो मशीन्स हैं वो ह्यूमन्स को अंडरस्टैंड कर रही हैं, उनको समझ रही हैं, और वॉइस को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रही है। एक समय था कि जो हमारा कंप्यूटर है, आज भी आप कंप्यूटर को देखिए कि कंप्यूटर में आपका मॉनिटर है, आपके सीपीयू है और कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड क्यों इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप क्यों इतना टाइप करने में टाइम वेस्ट करते हैं। सो दिस इज अगेन, आज भी इसमें रिसर्च होनी बहुत बाकी है, हालांकि इसमें काफी रिसर्च हो गई है। नाउ डायरेक्टली योर सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज योर वॉइस। आप प्रोग्राम टाइप क्यों करें, आप प्रोग्राम बोल के क्यों नहीं लिखे वहां पे, आपको प्रोग्राम सी का प्रोग्राम, जावा का प्रोग्राम, C++ का प्रोग्राम आपको टाइप करने में आधा घंटा लग जाता है प्रोग्राम को, फिर आप उसको रन कराते हैं। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर इज अ वेरी फास्ट डिवाइस, सो हाउ इट इज फास्ट, मतलब आपको एक प्रोग्राम करने में आपको आधा घंटा लग रहा है या एक घंटा लग रहा है, तो आप फास्ट कैसे हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो क्योंकि अभी तक वॉइस इनपुट हम डेवलप नहीं कर पाए थे, अभी तक हमारे हम लोग जो हैं वॉइस इनपुट पर इतना काम नहीं कर, केवल इनपुट करते थे कीबोर्ड के थ्रू करते हैं। तो अब हम धीरे धीरे वॉइस इनपुट पर बहुत तेजी से काम हो रहा है, जो रिसर्च इसमें गैप था वो गैप अब फिल हो रहा है। आज की डेट पे आप देखिए कि आपका जो व्हाट्सएप है वो बहुत तेजी से, आप जितनी तेजी से बोलेंगे आपकी वॉइस को, चाहे वो इंग्लिश में है या हिंदी में है, उस
वॉइस को टाइप करता है और फिर आप उसको सेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे तीन तीन चार चार पेज के जो है टेक्स्ट मैसेज आते हैं, तो जिनको पढ़ना ही बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो ये पॉसिबल है बाय दिस वॉइस इनपुट। सो दिस वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, यू नो दिस गूगल असिस्टेंट, यू नो दिस एलेक्सा, एलेक्सा ही कंप्लीटली एआई बेस्ड, एलेक्सा एआई बेस्ड है। तो शुरुआत में मेरे को भी थोड़ा सा इसमें हुआ, तो मैंने भी एक एलेक्सा परचेज की। मैंने कहा देखो हम टेक्नोलॉजी वाले हैं तो हमें भी ये चीजें हमारे भी हमको भी इन चीजों से फेमिलियर होना चाहिए। तो एलेक्सा आपको क्या कर रहा है कि धीरे धीरे एलेक्सा से जब आप फेमिलियर होते हैं तो धीरे धीरे आप क्या चाहते हैं वो आपके वॉइस को भी पकड़ने लगती है। तो वो एआई, दिस इज एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर, तो वो सिस्टम है, उसमें एलेक्सा है या सिरी है या गूगल होम है या हम अभी बॉट्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, दे आर created under the standard of web 3.0. आपको एलेक्सा के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, दिस सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी डेवलप इन 1.0, वेब 1.0 में हम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, वेब 2.0 में भी नहीं बना सकते हैं। इसके लिए वेब 3.0 स्टैंडर्ड के जो सॉफ्टवेयर हैं, वी शुड नो ऑल दीज टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर। बॉट्स की बात करते हैं, आज की डेट में हमारे यूनिवर्सिटीज में भी डॉक्टर बालम दफोटी, उन्होंने एक बनाया था इस पे, बॉट्स पे काम किया था। तो बॉट्स पे क्या होता है कि आजकल बहुत सारे जो ऑटोमेटिक आपके जो काउंसलर हैं, काउंसलर 24 आवर्स काउंसलर आपके ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं बैठ सकता है, तो एक उसका सिस्टम क्या है कि आपने बॉट्स डेवलप किए। अब आप व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहे हैं तो चैटिंग, वी आर नॉट चैटिंग विद द ह्यूमंस, वी आर चैटिंग विद द बॉट्स। आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। आपने लिखा कि आपने कोई चीज ढूंढनी चाहिए, आपने कहा कि भाई ये इसका फोन नंबर चाहिए हमको किसी कंपनी में, किसी हमने हमको जनरल मैनेजर का फोन नंबर चाहिए, सीईओ का फोन नंबर चाहिए, तो वो बॉट्स वहां से आपको चैट कर रहा है एंड बॉट्स इज प्रोवाइडिंग यू दैट नंबर। तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, तो ये वेब 3.0 स्टैंडर्ड में ही ये पॉसिबल है। ह्यूमनॉइड, वी आर कंट्रोलिंग ह्यूमनॉइड बाय द वेब। तो ये सॉफ्टवेयर, पहले जो सॉफ्टवेयर हुआ करते थे वो स्टैंड अलोन सिस्टम में हुआ करते थे, बहुत समय पहले की बात बता रहा हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था 1997 में जब हमने स्टार्ट किया था, तो मैं भी कहीं इनिशियली जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी किया है सारी चीजें, तो हम लोग क्या करते थे कि एक सॉफ्टवेयर स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हमने शुरुआत में। तो अब सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद उस सॉफ्टवेयर को हमको जिसको हैंड ओवर करना था, जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया था, उनको उनके सिस्टम में उसको इंस्टॉल करना था। तो हमने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया था उस सॉफ्टवेयर को अब उसको कैसे लेके जाए, तो उस समय फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी, तो फ्लॉपी के थ्रू हम उसको कॉपी करके लेके जाते थे। तो मैंने उसकी जो है मल्टीपल कॉपी बनाई, मैंने चार फ्लॉपी में सेम सॉफ्टवेयर वहां पे डाउनलोड किया, उसमें कॉपी किया और उसको लेकर के वहां गया, और वहां जाकर के वो चारों फ्लॉपी रन नहीं हुई, उससे डाउनलोड हो ही नहीं पाया क्योंकि पता नहीं कौन सी एरर आ गई उसमें। तो अगली बार फिर गए, तो अगली बार हम और ज्यादा चार के बजाय छह फ्लॉपी में हम सेम चीज कॉपी करके लेंगे। तो इस तरह का टीडीएस सिस्टम हुआ करता था, और जो सॉफ्टवेयर बनते थे वो केवल उसी सिस्टम में चलते थे, वो दूसरे सिस्टम पे नहीं चलते थे, और ज्यादा से ज्यादा मेन फ्रेम सिस्टम का कॉन्सेप्ट था कि आपने सर्वर पर लोड कर दिया, उस सर्वर से जितने सिस्टम कनेक्ट हैं उन कनेक्टेड सिस्टम्स पे वो सॉफ्टवेयर चल सकते थे, उसके अलावा कहीं और नहीं चल सकते थे। बट टुडे वी हैव दिस वेब, दिस एंटायर वेब, दिस ह्यूज वेब हमारे पास, वी हैव दिस स्पीड ऑफ इंटरनेट। आईओटी पॉसिबल क्यों है, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग डे बाय डे स्पीड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की स्पीड हम बढ़ाते जा रहे हैं, कंप्यूटर के माइक्रोप्रोसेसर की स्पीड हम बढ़ाते जा रहे हैं, मोर्स लॉ वहां पे लग रहा है और वो एवरी 18 मंथ इट इज डबल्ड, और जो सेंसर थे उनकी कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है। अवर मोबाइल फोन हैविंग नंबर ऑफ सेंसर्स, हमारे जो मोबाइल फोन आप लोगों के सबके पास जो मोबाइल फोन होंगे तो 10-10 20-20 30-30 सेंसर्स हैं कि आप मोबाइल फोन उठाते ही चेहरे के सामने ऐसे लेके आएंगे तो वो आपकी पिक्चर ले लेगा और मोबाइल ओपन हो जाएगा, या उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर है, या उसमें अगर आप मोबाइल को मूव कराते हैं हिलाते हैं तो तब भी एक कोई सेंसर है, आपका कैमरा या कोई चीज ऑन हो जाएगी। तो वन मोबाइल फोन हैविंग लॉट्स ऑफ सेंसर, तो सेंसर की कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जा रही। तो अब जो सिस्टम है, अब वो वेब बेस्ड सिस्टम, अब स्टैंड अलोन कंप्यूटर पर सिस्टम नहीं चलते हैं। जब हम वेब 1.0 की बात करते थे, उससे पहले जो सॉफ्टवेयर थे या उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर थे, वो सॉफ्टवेयर केवल स्टैंड अलोन सिस्टम में ही चल सकते थे। जिस सिस्टम में सॉफ्टवेयर आपने कॉपी किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, उसी सिस्टम पे चलेगा, दूसरे सिस्टम पे यू कैन नॉट ऑपरेट दैट सॉफ्टवेयर। बट टुडे
यू हैव टू इंस्टॉल, यू हैव टू अपलोड द सॉफ्टवेयर ऑन सर्वर और उसको कहीं से भी एक्सेस कर लीजिए। तो आज वेब की बात कर रहे हैं, ह्यूमनॉइड की बात कर रहे हैं, तो इस तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हमको इसको ध्यान में रख करके टेक्नोलॉजी सीखनी है। आईओटी की बेस्ड सिस्टम की बात कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं। आईओटी वी नीड टू डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर द आईओटी, तो वो वेब 3.0 में ही बन सकता है। वी नीड द सॉफ्टवेयर फॉर द स्मार्ट कार, स्मार्ट कार जिस पर गूगल हैज नंबर ऑफ ट्रायल फॉर दिस स्मार्ट कार, और स्मार्ट व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, स्मार्ट अनमैन एरियल व्हीकल की बात हो रही है, उसमें भी ट्रायल चल रहे हैं। स्पेस टूर की बात हो रही है, स्पेस टूर दिस इज पॉसिबल ड्यू टू ऑल दी, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं दे ऑल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। गूगल इनिशियली ए सॉफ्टवेयर कंपनी, गूगल क्या था, केवल सॉफ्टवेयर डेवलप करता था। माइक्रोसॉफ्ट इज ए सॉफ्टवेयर कंपनी, बट गूगल इज वर्किंग ऑन डिफरेंट फील्ड। आज गूगल का जो सब सिस्टम है, गूगल रेटिना की फोटो ले रहा है और आप बता रहा है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कितना है, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम दे आर डेवलपिंग, दे आर वर्किंग ऑन। टेस्ला जो इनिशियली टेस्ला इज ए कार कंपनी, मारुति इज ए कार कंपनी, फोर्ड इज ए कार कंपनी, जनरल मोटर्स इज ए कार, बट गूगल इज डेवलपिंग कार। तो ये इस तरह का ये सिस्टम आ गया कि आज बियॉन्ड अवर, हम उससे बाहर निकल के रिसर्च कर रहे हैं, तो हम एलाइड में रिसर्च कर रहे हैं, हम इस तरह के सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो सिस्टम आपस में कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करते हैं। तो स्मार्ट कार की बात हो रही है, सो वी नीड द सॉफ्टवेयर, वी नीड द वेब, वी नीड द वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर दिस स्मार्ट कार। और वो स्मार्ट कार आपकी वेब से कनेक्टेड है, वो स्मार्ट कार आपकी ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसका AI से कनेक्टेड है, यू कैन ट्रैक दैट वन, उसको कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये दिस इज वी रिक्वायर वेब 3.0 स्टैंडर्ड। इसी तरह से स्मार्ट होम, वी नीड द सॉफ्टवेयर फॉर द स्मार्ट होम, सो दिस इज ऑल्सो वेब ऑपरेटेड, कहीं ना कहीं इसमें भी वेब है। हम बात तो कर रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स केवल इंटरनेट ऑफ थिंग्स नहीं है, ये वेब के साथ कनेक्टेड है कि एक बंदा वो ऑफिस से चलता है। ये भी इस तरह का भी एक बार ऐड आता था कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही ऑफिस से चलते हैं, घर को निकलते हैं, और घर पहुंचने से पहले हस्बैंड वाइफ से कहता है कि तुम घर पहले जाओ, और वाइफ कहती है कि नहीं तुम पहले जाओ, क्योंकि गर्मी का समय होता है और रूम बहुत गर्म होता है, तो ये लगता है कि भाई ये पहले जाए, तो ये गर्मी पहले वो करे और वहां जाके AC ऑन करे, तब तक फिर हम जाए। तो अब उसने कहा कि नहीं, उसी एड के दूसरे पार्ट में वो कहता है कि नहीं, अब जो है हमने ऑफिस से चलते ही हमें रिमोटली वी हैव ऑपरेटेड, वी हैव स्विच्ड ऑन अवर AC एज वेल एज वी हैव स्विच्ड ऑन अवर कॉफी मेकर मशीन। तो घर पहुंचते ही आपको रूम ठंडा मिलेगा, और घर पहुंचते ही आपको कॉफी मशीन में आपकी कॉफी रेडी मिलेगी, आपको जाकर के कॉफी प्रिपेयर या टी प्रिपेयर नहीं करनी है। तो दिस इज ड्यू टू दिस IoT, बट दिस IoT इज स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड विद द वेब। तो वो IoT IoT के साथ वेब भी है, तो ये वेब कौन सा होगा, वेब 3.0 होगा। सो वी हैव टू ट्रेन अवर स्टूडेंट्स, वी हैव टू ट्रेन अवर फैकल्टीज, एंड वी ऑल्सो हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ बाय दिस टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर, जिसको हम ये इसको कोलैबोरेट कर सकें, इन सारी चीजों को कर सकें। तो ये इसको हम वेब 3.0 की बात करते हैं, चाहे हीटिंग सिस्टम है, वेंटिलेशन है, एयर कंडीशनिंग है, कनेक्टेड टू होम एनर्जी मॉनिटर है, या लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम है, हाउस होल्ड सिक्योरिटी सिस्टम है, इंटीग्रेटेड विद द होम ऑटोमेशन सिस्टम, ये सारी चीजें, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ IoT, बट दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ वेब 3.0, वेब 3.0 ऑल्सो। तो इस तरह से हम स्मार्ट सिटी की बात, स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से आया था इंडिया में, और जिस पर बहुत काम भी हो रहा है, और बहुत सारी सिटीज को जो है स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जो वर्ल्ड में बहुत सारी सिटी है। तो स्मार्ट सिटी जहाँ पे सारी चीजें स्मार्ट हो, अभी तक तो हमारे पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट कार्ड है, तो हम सारे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल स्मार्ट, सारी चीजें हम कह रहे हैं कि स्मार्ट कंप्यूटर, स्मार्ट चेयर, स्मार्ट डोर, स्मार्ट LED बल्ब, सो मैनी 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 डिवाइसेस, जो सारी स्मार्ट जब हम बात करते हैं, या स्मार्ट ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, स्मार्ट कार की बात कर, तो स्मार्ट सिटी में मतलब कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होंगी। तो सेंसर टेक्नोलॉजी, इरिगेशन सिस्टम, अब ये चीजें आने लगी हैं धीरे धीरे, तो इरिगेशन सिस्टम पे सेंसर, क्योंकि हमारा वेस्टेज बहुत है, वाटर की वेस्टेज, तो उस वेस्टेज को बताना है,
कम करना है तो हमको सेंसर चाहिए कि ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाए कि आपका जो मॉइस्चर लेवल ठीक हो गया फील्ड का, खेत का आपके, तो अब आपको जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। ऑटोमेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम गार्डनिंग की मैं हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। बस नेटवर्क, ट्रैफिक फ्लो, अब ट्रैफिक फ्लो आपको पता है कि इस पे बहुत हैवी ट्रैफिक है, तो ऑटोमेटिकली आपने उसकी रेड लाइट को जो है ज्यादा समय तक आपने ऑन रखा ताकि जो है आपका ट्रैफिक दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो। ऑटोमेटिक सिस्टम आपको डेवलप करने हैं कि आपको रूट जो है ऑटोमेटिकली चेंज करने होंगे। तो बस नेटवर्क बेस्ड ट्रैफिक फ्लो जो है, स्मार्ट ट्रैफिक लाइटिंग, आपने देखा कि किसी रूट पे अचानक बहुत ज्यादा ट्रैफिक बढ़ गया तो अब आप उसको रेड लाइट को कम करना है, बाकी रूट को रोकना है, तो वो वहां ऑटोमेशन करना है। अभी तक तो आपका जो वहां पे जो सिपाही रहता था, जो ट्रैफिक हौलदार जो होता था वो करता था उसको कंट्रोल, तो अब हम कह रहे हैं कि उसके लिए भी एक पॉसिबल नहीं है, इतना ट्रैफिक है, इतनी ज्यादा चीजें इंक्रीज हो रही है, तो रूट द इमरजेंसी व्हीकल इंटर्ड इनटू द ट्रैफिक लाइट सिस्टम। तो दिस वेब 3.0। तो गूगल अलर्ट्स की बात करते हैं, विच मॉनिटर योर ब्रांड एंड मॉनिटर द वेब इंटरेस्ट। तो इस तरह से अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल इज प्रोवाइडिंग मैनी मैनी टूल्स, बहुत सारे टूल्स गूगल प्रोवाइड करता है। इस तरह से अलर्ट है, तो गूगल अलर्ट जो कि पॉसिबल नहीं था वेब 2.0 में, बट वी कैन डेवलप सच टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर कि आपको अलर्ट दे रहा है, आपको बता रहा है आपकी इंटरेस्टिंग जो आपको मूवी चाहिए तो वो अपने ऑटोमेटिकली इट इज गिविंग यू द अलर्ट। तो दिस इज पॉसिबल दिस वेब 3.0। इस तरह से गूगल एनालिटिक्स है जो आपकी वेबसाइट की, के बारे में आप डॉक्टर नवीन ने भी आपको बहुत विस्तार से समझाया था गूगल एनालिटिक्स के बारे में। सो अल्टीमेटली वी कैन से दिस सिमेंटिक वेब, अब सिमेंटिक वेब को मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, ये दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ वेब 3.0, क्योंकि अब टाइम आपका कम रह गया है, आई हैव टू कम्प्लीट विद इन हाफ एन आवर, लगभग 20 मिनट में कंप्लीट करना है, तो मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, 2 बजे तक कंप्लीट करना है मुझे। सो अगेन दिस सिमेंटिक वेब, AI, 3D ग्राफिक्स, यूबिक्विटस, तो ऑल आर दिस पार्ट ऑफ दिस वेब 3.0। एप्लीकेशन की मैंने आपको बात की थी, ये सारे एप्लीकेशन हैं एक तरह से, चाहे IoT है, उबेर है, स्मार्ट कार है, और ह्यूमनॉइड की बात करते हैं, बॉट्स की बात करते हैं, इसके अलावा वॉइस रिकग्निशन की बात करते हैं, वर्चुअल टूल, वर्चुअल रियलिटी, स्मार्ट वॉच, सो ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस वेब 3.0, जियोलोकलाइज्ड सिस्टम, सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस वेब 3.0। नाउ सिमेंटिक वेब इज ए पार्ट ऑफ दिस वेब 3.0। सो व्हाट इज सिमेंटिक वेब? सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सिमेंटिक वेब एंड AI, यू नो दिस पॉपुलर टर्म ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D ग्राफिक्स, इन सारी चीजों के बारे में आपको मालूम होगा पहले से भी। सो बिग डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस पार्ट, सो वी आर माइनिंग दैट एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा, सो दिस इज पॉसिबल बाय दिस वेब 3.0। और अब हम यहाँ पे सिमेंटिक वेब जो टर्म आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है सिमेंटिक वेब, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और बहुत ही पॉपुलर टर्म्स है, तो क्योंकि नई नई चीजें कॉइन हुई है, नई नई टर्म्स कॉइन हुए हैं, तो द सिमेंटिक वेब इज ए एक्सटेंशन ऑफ द करंट वेब, तो कह रहा है कि जो करंट वेब है उसका एक्सटेंशन है। तो क्या है कि ये इन विच इंफॉर्मेशन इज गिवन वेल डिफाइंड एनेबलिंग कंप्यूटर एंड पीपल वर्क इन कॉपरेशन। तो सिमेंटिक वेब, जैसे वेब की बात करते हैं, तो अब ये कह रहा है कि कॉपरेशन की बात कर रहा है कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन किसी के पास है, कुछ किसी के पास है, तो इस तरह से कोलोबरेटिव इंफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, इनेबलिंग कंप्यूटर एंड पीपल वर्क इन कॉपरेशन, तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होता है उसी तरह से सिमेंटिक वेब में भी हमारे पास अलग अलग नोड पे हमारी इंफॉर्मेशन है, तो हम उसको कोलोबरेट करा रहे हैं, इनको कॉपरेट करा रहे हैं, तो इस तरह से हमारा सिमेंटिक वेब होता है। तो आज की जो सर्चिंग है द वेब सर्च, तो ये था सिमेंटिक वेब, तो इसी को हम और दूसरे फॉर्म में भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो सिमेंटिक वेब वेयर वी हैव डिफरेंट टर्म्स, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इथिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द कीवर्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिनोनियम, को ऑक्रेंस, टॉपिक हब्स एंड, सो वी हैव डिफरेंट टर्म्स एंड बट वी आर using these terms and we are doing reasoning, तो हम इसमें क्या करते हैं AI का, semantic web में basically हम AI का use करते हैं, और मैं example पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा side आगे पीछे कर रहा हूँ slides, तो
अब इसको देखिए आप, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें देखिए, सपोज यू वॉन्ट टू वॉच ए मूवी एंड ग्रैब समथिंग टू ईट, मतलब आपको मूवी देखनी है और मूवी देखने के बाद कुछ जो है रेस्टोरेंट में जाकर के खाना है, तो अब आपने इस टाइम में, अब इसको सर्च करने में बड़ा सर्चिंग भी कभी कभी बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है, बहुत ज्यादा टीडियस होती है, बड़ा मुश्किल होता है, जो हम सर्च करना चाह रहे हैं वो हम मिल ही नहीं रहा, कुछ और मिल जा रहा है। तो यू लाइक एन एक्शन मूवी एंड इटालियन फूड, हम ये चाह रहे हैं कि हम एक एक्शन मूवी देखें मेट्रो सिटी में, दिल्ली में है और वहां पे, और इटालियन फूड हम चाह रहे हैं। तो हमने सर्च स्टार्ट किया, नाउ वी हैव परफॉर्म सर्च द मूवी थिएटर एंड द रेस्टोरेंट। सो दिस इन दिस फिनोमिना यू स्पेंड हाफ एन आवर डूइंग द प्लानिंग। अब आपको ये सब कुछ करने में, आपको सर्च करने में आपको आधे घंटे से ज्यादा लग गया। अब ये दिस इज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ज्यादा कि आपको यार, आपको लग रहा है कि यार क्या है दिमाग खराब, इससे तो मैं पर्सनली अपने मोटरसाइकिल से या कार से जाकर के ढूंढ लूंगा तो वो जल्दी मिल जाएगा। सो दिस इज द हाउ थिंग वर्क टुडे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे आप बैंकिंग करते हैं, आप तो बैंकिंग बहुत स्मार्ट बैंकिंग हुई है, अब आप आपके बहुत सारे यूपीए, तो हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, आप गूगल पे से करिए, आप पेटीएम से करिए, इट इज वेरी फास्ट कि आप जैसे कैश दे रहे हैं अपने पर्स से निकाल के, उतने ही टाइम पे आपका गूगल पे या ये सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। तो अब ये बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग था, तो अब इसको ये एक प्रॉब्लम थी आज के वेब की कि सर्चिंग इज वेरी टीडियस टास्क, कि सर्चिंग करना, ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। अब यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए AI। तो वेब टू, ये वेब 2.0 में था, अब वेब 3.0 में यहाँ पे AI आ गई, इसमें AI इंक्लूड कर दिए। अब बंदे ने लिखा अब सिमेंटिक वेब विल मेक ए सर्च टास्क इजियर बाय द मेकिंग सर्चेस मोर पर्सनलाइज। अब यहाँ पे मोर पर्सनलाइज सर्च करेगा, देखिए यहाँ पे वर्ड इसमें दिया हुआ है पर्सनलाइज, अब वो जानता है आपको, गूगल जानता है आपको, गूगल असिस्टेंट आपके बारे में, क्योंकि आप पिछले, आपका एक अकाउंट 10 साल पुराना अकाउंट है और गूगल आपको पहचानता है, क्योंकि उसकी आपके हैबिट्स को उसने स्टोर किया हुआ है कि आप किस तरह की मूवी देखते हैं, आपके किस तरह के दोस्त हैं, कहाँ जाते हैं, उसी से रिलेटेड किस तरह की चीजें सर्च करते हैं। तो आप आज की साइट्स में भी देखते होंगे कि अगर आप अपने फेसबुक में, यूट्यूब में कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो सर्च वैसे ही दिखाएगा, जैसे आजकल हम नेट पे काम कर रहे हैं, तो नेट पे अगर कुछ सर्च कर रहे हैं तो अगर नेट का काम खत्म हो गया तो उसके बाद भी हम कुछ सर्च करेंगे तो वो तो सर्च करेगा, बाद में उसके बाद एक दो सर्च के बाद पता चला फिर नेट की फाइल उठा के दे दी उसने कोई, तो वो क्योंकि वो जान रहा है कि आप वही सर्च करते हैं हमेशा, तो आपको कहीं ना कहीं घुमा करके फिर वही उठा ले जाएगा। तो वो इस तरह का होता है कि इस तरह से हम वीडियो हम किसी तरह के देखते हैं तो उसी तरह के वीडियो के अलर्ट हमको आने लगते हैं, तो वो क्या होता है कि वो AI कहीं ना कहीं उसके पीछे काम कर रहा है जो आपको पहचान रहा है कि आप इस तरह की सर्चिंग करते हैं। तो आपने लिखा कि यू कुड एंटर आई वॉन्ट टू वॉच एक्शन मूवी एंड वॉन्ट टू हैव ए डिनर एट ए इटालियन रेस्टोरेंट, आपने पूरा सेंटेंस लिखा। अब जो AI है वो AI उसके पीछे AI काम कर रहा है और वो AI आपके पूरे सेंटेंस को समझेगा, यहाँ पे सिमेंटिक वेब काम करता है, द सिमेंटिक वेब विल डिस्प्ले द रिजल्ट फॉर यू, द सिमेंटिक वेब विल एक्ट एज ए पर्सनल असिस्टेंट, वो फिर आपको पर्सनली हर बंदे को, ये सेंटेंस अगर आप लिखेंगे तो आपका रिजल्ट अलग होगा, मैं लिखूंगा तो मेरा रिजल्ट अलग होगा, मेरी हैबिट्स को देख करके, मैं किस तरह के रेस्टोरेंट में जाना चाहता हूँ वो देख करके, वो हमको उस तरह के रेस्टोरेंट सजेस्ट कर देगा। आप रूट भी देखना चाहेंगे कि विच रूट आई हैव टू फॉलो फॉर गोइंग टू दिस रेस्टोरेंट, तो वो रूट भी सजेस्ट कर देगा। तो एवरीथिंग इज बाय दिस सिमेंटिक वेब, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इस तरह का इसमें आता है। तो यहाँ पे ये थर्ड में जो तीसरी फिर से देखिएगा कि सिमेंटिक वेब, तो यहाँ पे कहता है कि मैनी वेबसाइट कंटेनिंग द सिमेंटिकली सिंडिकेटिंग आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, जो पहले नहीं था जो वेब 3.0 में है, तो ये चेंजेज आए वेबसाइट्स में, तो इस तरह से हमारा सिमेंटिक वेब काम करता है। तो वेब 2.0, तो यहाँ पे क्या कहता है कि वेब जो लिमिटेशन ऑफ द वेब सर्च टूडे, कि लिमिटेशन क्या है कि लो प्रिसीजन रिजल्ट आर हाईली सेंसिटिव टू द वोकैबुलरी, तो आपकी वोकैबुलरी जो है, जो भी आप दे रहे हैं तो वो बड़ा सेंसिटिव है, कुछ और ही दे दे रहा है, उसी वर्ड की मीनिंग के अकॉर्डिंग दे रहा है, आप कुछ और चाह रहे हैं पर आपको वो जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, वो उस वर्ड की मीनिंग निकाल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको सर्च करके दे रहा है। रिजल्ट आर सिंगल वेब पेजेस और मोस्ट ऑफ द
पब्लिशिंग कंटेंट आर नॉट स्ट्रक्चर्ड टू अलाउ लॉजिकल रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग नहीं आ रही वहां पे, जिससे लॉजिकल रीजनिंग आप प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं कि हम एंड, हम वहां पे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, नॉट, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, तो वो चीज नहीं दे रहा, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वो चीज उठा करके दे रहा है, रीजनिंग नहीं कर रहा है आपके सिस्टम में। तो ये कंप्यूटर जो प्रोग्रामर है वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो रीजन बिहाइंड द सर्चिंग एज एन अल्टरनेटिव ऑफ वेब 2.0, तो वेब 2.0 में ये प्रॉब्लम थी, इन वेब 2.0 पेजेस आर रिटन इन एचटीएमएल एंड एचटीएमएल डिस्क्राइब द सिंटैक्स नॉट सिमेंटिक, सिमेंटिक को नहीं देता था, सिंटैक्स को, आपने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग उसको ढूंढ के सर्च करके कहीं से मैच करके ले आए, आपके मीनिंग को नहीं समझेगा, सिमेंटिक मीन्स इट इज नॉट अंडरस्टैंडिंग यूर मीनिंग्स, इफ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग बिहाइंड द इंफॉर्मेशन तो उसको हम सिमेंटिक्स बोलते हैं, दे कैन लर्न व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, दे कैन हेल्प अस बेटर फाइंड व्हाट वी वांट, हम जो चाहते हैं वो दिखाए, उस वर्ड की मीनिंग के अकॉर्डिंग ना लेके आए, तो कैन रिकोगनाइज द पीपल, तो ये सिमेंटिक वेब जो है इट कैन रिकोगनाइज पीपल प्लेसेस इवेंट कंपनी प्रोडक्ट मूवीज सब इसको रिकोगनाइज करेंगे and understand the relationship between the things, इनके बीच की relationship, logical reasoning की हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज absence थी आज की web में, तो today's web is about the document, but semantic web is about the thing, तो यहाँ पे जो ये things के बारे में इनको अच्छे से understand करें, इनको AI ही समझ सकता है things को, वो semantic web में है, जो web 3.0 जो हम बात कर रहे हैं, उसमें this semantic web is the first part of this web 3.0, इसका पहला part है web 3.0 का, तो ये semantic web आज की date में, जो searching जो algorithm है, जो Google की search algorithm है, वो अब change होगी, this is all based on this semantic web, semantic web will make search task faster and easier by the making, तो इस तरह से ये करता है यहाँ पे, तो इस तरह से changes ये जो आए हमारा 1992 में हमारे पास HTTP था, HTML था, CSS था, JavaScript था, 2003 onward we have started on social web, हमने social web पे काम करना शुरू कर दिया, now we have new software, 2006 onward हमने data web पे huge amount of data we have, big data की बात हमने ले ली, तो ये 2006 onward start हुआ, और यहाँ जो है अभी का जो टाइम है, अब हम बात कर रहे हैं सिमेंटिक वेब की बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ द वेब टेक्नोलॉजी, इस तरह से इवॉल्व हुई चीजें, और वेब 3C, वेब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम बोलते हैं इसको, वेब 3C कंसोर्टियम, तो सिमेंटिक वेब की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रीजनिंग है, रीजनिंग, अगर रीजनिंग होगी तो आपको लॉजिकल आंसर मिलेगा, आप जो चाहते हैं वो आंसर मिलेगा, आप जो चाहते हैं उसकी मीनिंग को ढूंढ के आंसर देगा, लॉजिक्स होंगे, रूल होंगे, टेस्ट होंगे, ये सारी चीजें इस पर होंगी, तो डेटा वेब वेयर डेटा कम्स फ्रॉम द लार्ज डाइवर्स सोर्स, तो ये डेटा वेब जो यहाँ पे दिया हुआ है, डेटा वेब 2006, तो लार्ज सोर्स से डेटा आने लगा, अब डेटा माइनिंग का काम होने लगा, तो अब तो इस तरह से था, तो जब हम वो करते हैं तो इसमें क्राउलिंग होती है, सारी चीजें हैं, तो ये अलग पॉइंट है इसमें कि किस तरह से हम इसको करते हैं, तो जब हम सर्चिंग करते हैं, तो इस तरह से वेब 2.0 और 3.0 में ये फिर से डिफरेंस कुछ देखिएगा कि इसमें वाइडली रीड राइट कम्युनिटी है, जो वेब 2.0 है इसमें ब्लॉग्स हैं, विकीज हैं, शेयरिंग, बार बार दे रहा हूँ मैं सारी चीजों को, तो ये हमको डिफरेंस समझना है, हमको नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, हमको नए टर्म्स हमको आने चाहिए, हमको रूबी ऑन रेल आनी चाहिए, हमको जो नया सॉफ्टवेयर है, हमको Node.js पे, हमको Angular.js, Node.js पे हमारे स्टूडेंट को काम करना आना चाहिए, तभी तो स्किल्ड होंगे, तभी तो हमारा जो वोकेशनल स्कूल है, स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज, तभी तो इसका पर्पस सॉल्व होगा कि हमारे वी हैव लॉट्स ऑफ स्किल्स, हमारी जो हमारे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, हम उसको स्किल्ड बनाए अपने जो स्टूडेंट्स हैं, एंड दिस स्कूल नॉट ओनली फॉर द साइंस, नॉट ओनली फॉर द आर्ट, सबके लिए स्कूल है हमारे पास, हमको इस तरह के हमने डॉक्टर गोपाल ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स इसमें डिजाइन किया, अभी अभी हम लोगों ने एक कोर्स डिजाइन स्टार्ट कर रहे हैं डेटा साइंस पे, इसमें बहुत मेहनत की है डॉक्टर गोपाल ने, तो वो डेटा साइंस इसमें SPSSB है, और इसमें डेटा साइंस के से रिलेटेड हडूप भी है, कैसेंड्रा भी है, इस तरह से बहुत सारी नई लैंग्वेजेज भी हैं, मशीन लर्निंग भी हमने उसमें दी हुई है, तो इनको लेकर के हम एक कोर्स डिजाइन किया हुआ है, तो वो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो सबके लिए है, जो बीटेक ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी वो कोर्स है, साइंस से कोई MCA किया हुआ है या कोई MSc किया हुआ स्टूडेंट है साइंस का, या साइंस में मास्टर है, या
कॉमर्स से कोई मास्टर है वो भी उस कोर्स को कर सकता है, वो सबके लिए यूजफुल है बिकॉज दे आर एज एज पर द इंडस्ट्री 4.0 और वेब 3.0 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। तो इसमें हम यहाँ पे जो है ब्लॉग्स विकी शेयरिंग कंटेंट है, वेब एप्लीकेशन है, टैगिंग है, ये सारी चीजें कॉस्ट पर क्लिक या इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम XML RSS इन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जबकि वेब 3.0 में हम पोर्टेबल एंड पर्सनल इंडिविजुअल फोकस पे इसको देखते हैं क्योंकि इंडिविजुअल फोकस करता है, इंडिविजुअली पर्सनल असिस्टेंट हम बात कर रहे हैं तो वो पर्सनली आपकी आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, आपकी फीलिंग्स को ले रहा है, आप जो चाहते हैं उसको सर्च करके ले रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, स्मार्ट एप्लीकेशन है, यूजर बिहेवियर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, यूजर इंगेजमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, बिहेवियरियल एडवर्टाइजिंग की बात होने लगी, अब नए टर्म्स आ गए, तो इसमें RDF है या RDFS है या OWL है, इस तरह के नए सॉफ्टवेयर इसमें यूज होने लगे हैं। तो ये हम बात करते हैं यहाँ पे ऐसी इसी तरह से यूबिक्विटस मीन्स द आइडिया ऑफ एग्जिस्टिंग और बींग एवरीवेयर स्पेशली एट द सेम टाइम, तो ये ओमनी प्रेजेंट हम बात कर रहे हैं यूबिक्विटस सिस्टम कि आप कहीं भी जा रहे हैं, यू आर मूविंग एनीवेयर, यू आर हैविंग नंबर ऑफ डिवाइसेस, यू आर हैविंग योर लैपटॉप, यू आर हैविंग योर मोबाइल फोन, यू आर स्मार्ट वॉच, सो यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग, लॉट्स ऑफ वर्किंग एनीवेयर, कहीं भी आप रहें, कहीं रिमोटली यू आर कनेक्टेड, किसी भी मार्स में भी हैं तो भी वहां भी कनेक्टेड हैं आप डिवाइसेस से इंटरनेट के थ्रू, तो फॉर एग्जांपल इमेजेस, डॉक्यूमेंट, वीडियोस कैन बी अपलोडेड इन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दे कैन बी एसेस फ्रॉम द अदर प्लेसेस, तो ये यूबिक्विटस सिस्टम की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ द मोबाइल डिवाइसेज एंड द इंटरनेट एक्सेस विल मेक वेब 3.0 एक्सपीरियंस अवेलेबल एनीवेयर एट एनी टाइम, तो ये बात होती थी जब हमने इनिशियली जब हमने एमसीए स्टार्ट किया था, एमसीए किया था तो हमको एक प्रोजेक्ट के लिए हमने सोचा, तो हमको ये एडवाइस किया गया हमारे प्रोजेक्ट गाइड के द्वारा कि आप इस तरह से रिमोट सिस्टम डेवलप कीजिए कि कहीं से भी बैठे हुए आप जो है ब्लड बैंक को जो है ऑपरेट कर सकें, उसकी डिमांड देख सकें, तो उस समय ये सारी चीजें नहीं हुआ करती, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था, तो हम सोचते थे कि इस काम को हम कैसे कर पाएं, कि हमको रिमोटली कैसे उसको लिंक कर पाएं, तो उसमें वेब भी इतना पॉपुलर नहीं था, मैं बात कर रहा हूँ 2003 के आसपास की, तो पर आज ये सारी चीजें इतनी पॉपुलर हो चुकी हैं, तो इस तरह से थ्री डायमेंशनल डिजाइनिंग पे हम काम करने लगे हैं, तो बीइंग द एक्सटेंशन बीइंग द वेबसाइट एंड सर्विसेज इन द वेब 3.0, तो इस तरह से गेम है या ऑनलाइन गेम्स हैं ये बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। तो आज एक मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी आपको डिजिटल मार्केटिंग पे लेके जा रहा हूँ एक और, तो इफ यू हैव, तो आज हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, तो आई हैव ओनली 8 मिनट, सो आई हैव टू कंप्लीट इट, सो इफ यू हैव to connect with your customer, then you have to target them in the place. मतलब आपको अपने customer से connect करना है, तो आप क्या कैसे connect होंगे? आपको student से link करना है, तो आप क्या करेंगे कि आपका student कहाँ connect हो सकता है, कहाँ मिल सकता है आपको student? कि आप कोई ऐड कर रहे हैं और वो स्टूडेंट के लिए ऐड कर रहे हैं, बैजूज का ऐड है, वो स्टूडेंट कहाँ मिलेगा आपको? आपको वो जगह ढूंढनी है, भाई आपने मार्केट में पॉम्पलेट बांटे तो वो वेस्ट हो जाएंगे, वहां कोई नहीं देखने वाला है आपको, ठीक है, थोड़ा बहुत मॉल्स में आपने देख लिया, मतलब आपको ये जगह ढूंढनी है कि वो कहाँ पे मिलेगा, कि जहां पे हम उसको ये चीज समझा देंगे कि भाई ये चीज आपके लिए यूजफुल है, आप इस पे इसको लो, इसको परचेज करो। तो आज की डेट में इफ यू हैव टू कनेक्ट, में अभी एक वीडियो आज क्योंकि लेक्चर था तो मैं एक वीडियो सुन रहा था, तो उसमें वो कहता है कि डिजिटल मार्केटिंग की बात करता है कि इफ यू हैव टू कनेक्ट विद योर कस्टमर देन यू हैव टू टारगेट देम इन ए प्लेस वेयर दे स्पेंड मोर टाइम। तो आज की जो जनरेशन है वो सबसे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट करती है, सबसे ज्यादा टाइम कहाँ इन्वेस्ट करती है? तो वो अपने मोबाइल फोन में इन्वेस्ट करती है, वो अपने डिवाइस में सबसे ज्यादा टाइम रखती है। आपके घर में आपके छोटे ब्रदर्स होंगे या सिस्टर्स होंगी या कोई भी, अगर हम लोग भी देखें तो वी आर इन्वेस्टिंग और मोस्ट ऑफ टाइम इन आवर डिवाइसेज। आज हम अपने डिवाइस, तो हमारा जो एड है वो एड भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहे हैं। आज न्यूज़पेपर में एड तो आ ही रहा है, साथ ही साथ आप जिस साइट में जा रहे हैं वहां भी एड आ रहा है और पर्सनलाइज हो गया। आप जहां जा रहे हैं वो ऐड आपका पीछा कर रहा है, एक बार गलती से आपने उसको क्लिक कर दिया, जैसे आपने देखा कि यार ये जो है म्यूजिक सिस्टम होम थिएटर बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आपने उसको ढूंढा, उसको क्लिक कर दिया, तो अब आप गूगल में कहीं भी जाएं वो हर जगह वही ऐड आपके पीछा करेगा, आपको दिख जाएगा, आप कोई भी चीज ओपन करें पता चला पहले वो ऐड आपको दिख गया। तो यही फेसबुक में होता है कि फेसबुक में अगर आप एक तरह की चीज अगर आप देखते हैं, तो आपने जैसे सपोज कार साइन करने का कोई शैम्पू देखा तो वो आपने क्लिक कर दिया, तो जब भी आप सर्फिंग करेंगे यूट्यूब पे तो आपको वो सबसे पहले वो ऐड दिखेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपका पीछा करेगा। तो इस तरह से ये वेब
3.0, तो विजेट्स की हम बात कर रहे हैं, तो मोबाइल में भी होते हैं विजेट्स, तो रेडीमेड एप्लीकेशंस होते हैं जिनको आप यूज कर लेते हैं, तो ये विजेट्स वी कैन डेवलप इन वेब 3.0 इस तरह से। तो द मेजर बेनिफिट ऑफ द विजेट्स इन, तो इजीली हम इसको यूज कर सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वेब 3.0। वेब गैजेट्स की बात करें या वेब विजेट्स की बात करें, तो इस तरह से सर्चिंग का है, सर्च इंजन बड़े इंपॉर्टेंट है आज की डेट पर, ये प्रोसेस होती है वेब क्राउलर डेटाबेस और इस तरह से, दिस इज इंटरफेस। तो ये सिमेंटिक वेब ने इसको जो है फास्ट कर दिया, इसको पर्सनलाइज कर दिया, इसको इंटेलिजेंट बना दिया। तो ये हमारा ये सिस्टम हमारा जो क्राउलिंग है वो हमारी बहुत इम्प्रूव हुई है, तो स्पाइडर या बॉट्स का हम यूज करने लगे हैं इस तरह से। इस तरह से हमको बहुत सारे नए सिस्टम जैसे SOAP है, इसी तरह से RSS है, ओपन सर्च है, क्वेरी, तो ये सब नए नए सॉफ्टवेयर्स हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हमको मालूम होने चाहिए। वेब माइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वी हैव टू ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, सो वी हैव टू माइन सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो हमारे मतलब की है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है उस इंफॉर्मेशन को, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो डेटा साइंस इज ए स्ट्रॉन्गली एसोसिएट पार्ट ऑफ दिस वेब, तो ये वेब 3.0 somehow this web 3.0 interface with the web this data mining या big data भी इसका important part है। तो इस तरह से फिर digital marketing की बात कर रहे हैं, तो अब हम अब मुझे जल्दी इसको कंप्लीट करना है, 4 मिनट अगेन। सो दिस डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो, सो वी हैव टू डेवलप आवर स्टूडेंट। मैं जैसे लगातार कह रहा हूँ कि हमारे हमको भी ये इस तरह से ह्यूमन या मैन पावर डेवलप करनी जो इस तरह के स्किल्स को जानती हो, तो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल स्पेस क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इफ यू हैव टू कनेक्ट विद योर कस्टमर देन यू हैव टू टारगेट देम इन अ प्लेस इन द प्लेस वेयर दे स्पेंड मोर टाइम, सो दैट इज इंटरनेट। वो इंटरनेट है या यूट्यूब है या फेसबुक है या ट्विटर है, वो वहां पर ज्यादा समय रहते हैं, या जो सॉन्ग्स से रिलेटेड साइट्स हैं तो उन पे बहुत ज्यादा रहते हैं, तो हमको वही टारगेट करना है। तो इस तरह से जो डिजिटल मार्केटिंग है इसको प्लान इस तरह से करना है कि इसको कॉमर्स के लोग या मैनेजमेंट के लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं, बट मैं इसके टेक्नोलॉजी वाले टर्म्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से कंटेंट मार्केटिंग, तो इसमें जो चीजें आती है इसमें कंटेंट मार्केटिंग है या ईमेल मार्केटिंग है या डिजिटल एडवर्टाइजिंग है या फिर कम्युनिटी मैनेजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके हैं। इसी तरह से कंटेंट मार्केटिंग है, कॉपी राइटिंग, ईमेल मार्केटिंग हो गया, सर्च मार्केटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस। सो गूगल सर्च ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में डॉक्टर नवीन ने बहुत डिटेल से बताया, मैं इसमें बताना जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं सर। ऐसे गूगल एडवर्ड है, सपोज यू हैव सम योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, सो यू हैव टू ऐड दैट ऑर्गेनाइजेशन, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस गूगल एडवर्ड। तो एडवर्ड में आप अपना ऐड दीजिए, तो गूगल क्या करता है, गूगल में जब भी आप सर्चिंग करते हैं तो कुछ ऐड दिखाता रहता है, तो वो ऐड कहाँ से आते हैं, गूगल एडवर्ड्स में आपने अपलोड किए हैं, तो उन ऐड को वो वहां पे शो करता रहेगा। ऐसे यूट्यूब मार्केटिंग, आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले वो ऐड शो कर लेगा, या बीच में चलते चलते 2 मिनट चला तो उसके बाद फिर से कोई एक ऐड आ गया। तो इस तरह से गूगल साइट्स के बारे में बहुत डिटेल में आपसे बात हुई है, इसी तरह से ब्लॉग्स के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। तो दीज ब्लॉग्स, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग, सो वी फोकस एंड टारगेट ऑन दीज वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, तो इन पे हम टारगेट करते हैं। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, बस 2-3 स्लाइड और हैं। तो इस तरह से बट ये सारी चीजें किसके पार्ट है, वेब 2.0 एंड वेब 3.0। सो वेब 2.0 एंड वेब 3.0 इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद दिस वेब दिस डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो। इसी तरह से कंटेंट मार्केटिंग की बात होती है, कंटेंट वीडियोज हैं, पॉडकास्ट है, और या फिर हम या फिर क्विजेज है, व्हाइट पेपर्स है, यूट्यूब एड्स है, तो दीज ऑल आर द टूल्स ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग। ट्विटर पे एड है या सोशल मीडिया अपडेट्स हैं, तो ये तो अब मैं फाइनली मैं ये कहूंगा कि कस्टमर तो हम जो है, जो मैं बार बार इस बात को कह रहा था कि वी हैव टू क्रिएट अवर डिजिटल एडवर्टाइजिंग स्पेशलिस्ट, हमको ये क्रिएट करना है, हमको वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है जो ड्रोन डेवलप कर सके, जो ड्रोन को रिपेयर कर सके, जो क्रिएट कर सके, जो जो
जो रोबोट्स बना सके, जो 3D प्रिंटर को रिपेयर कर सके या 3D प्रिंटर को क्रिएट कर सकते हैं, तो इन इस तरह की स्किल अगर हम डेवलप कर सकते हैं तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना बहुत इजी होगा। और हम अगर ट्रेडिशनल अप्रोच को लेके चलें, हम ट्रेडिशनल एजुकेशन उनको दें, तो उनके लिए जॉब को पाना बहुत मुश्किल होगा। और ये स्टूडेंट के लिए भी है, ये जो हमारी जनरेशन है, जो जिस करेंट एज में हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वी शुड नो द स्किल। अगर हमको स्किल नहीं आती है तो वी विल बी अनएम्प्लॉयड, हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाएगा। तो सोशल सेलिंग की बात करते हैं या सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं या सोशल इन्फ्लुएंसिंग की बात करते हैं, सोशल लिसनिंग की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोशल मीडिया है ये सब इन टर्म्स को कवर करता है। सोशल इन्फ्लुएंसिंग, हम इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी कस्टमर को कि वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें। ऐसे ईमेल मार्केटिंग है, तो इंगेजमेंट है, रेफरल है, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो इस तरह से ये दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग। सो थैंक यू पार्टिसिपेंट फॉर लिसनिंग टू मी, एंड थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. Thank you, sir, for a wonderful session. Hello. Sorry, part, sir. Yes, sir. Part. Okay. Thank you, sir, for a wonderful session. सर ने बड़े अच्छे से वेब 2.0 वेब 3.0 के बारे में डिफरेंस बताया। हम वेब सभी यूज करते हैं वेबसाइट वगैरह पे, लेकिन उनके पीछे क्या अंतर है, किस तरीके की वर्क करती है टेक्नोलॉजी, किस तरीके से हम वहाँ पर बैकग्राउंड में वर्क हो रहा है, सर ने काफी अच्छे तरीके से समझाया। थैंक यू सर वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच सर।